नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तो इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं और पर्यायवाची शब्दों में आप देखें अ से शुरुआत होती है, क्रम से चलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं अरण्य, अरण्य यानी जंगल। तो अरण्य वैसे तो कहा जाता है घनघोर जंगल को, लेकिन यहाँ पर्यायवाची में करीबी अर्थ वाले शब्दों को भी एक साथ मिला दिया जाता है। तो वन का ये पर्यायवाची है, विपिन भी इसका पर्यायवाची है, अटवी भी इसका पर्यायवाची है, अटवी भी कहा जाता है, कानन और जंगल भी कहा जाता है। कानन जो है ना वो बगीचे को बोलते हैं, जो उद्यान होता है जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं और दैत्याकार वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं और एकदम वीराना स्थान होता है, मतलब पशु और पक्षियों के अलावा वहाँ कोई नहीं आता जाता, मतलब मनुष्य का वहाँ पहुँच नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अरण्य। इसके बाद आप देखें अंग, तो अंग का पर्यायवाची है कलेवर, तन, अवय, वायु, देह, काया और शरीर, ये सारे पर्यायवाची। अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उसमें से आधा से अधिक तो आप जानते हैं, कुछ जो नहीं जानते हैं उनको इसमें देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसमें आग है, इसके बाद अनल है, पावक है, दव भी कहा जाता है, दव से ही बना हुआ है दावानल। इसके बाद है धूम्रकेतु, धूमकेतु भी बोलते हैं, धनंजय कहा जाता है, जातवेद कहा जाता है, हुताशन कहा जाता है, ये कुछ अलग हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं। वैश्वानर कहते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, वायु सखा बोलते हैं क्योंकि जब हवा चलती है तो आग को बढ़ावा मिलता है, और दहन कहते हैं। इसके अलावा ज्वलन भी कहते हैं, कृषाणु भी कहते हैं, रोहिताश्व भी कहते हैं, वहनी भी कहते हैं और जातवेदस भी कहते हैं। अग्नि को प्रत्यक्ष देव माना गया है और ये देवताओं और मनुष्यों के बीच में माध्यम माने गए, मतलब इसमें आप जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो जलकर भस्म हो जाता है, मतलब आग में क्या आप कुछ भी डाल रहे हैं तो वो जल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उसकी जो सुगंध है वो देवताओं तक पहुंचती है और देवता उसी का पान करते हैं। अब इसके बाद आप देखें अचल, तो अचल यानी जो चलायमान न हो, तो जो चलायमान न हो वो कौन होगा, पर्वत होगा, पर्वत स्थिर होते हैं, हालांकि पर्वत में भी अंतरजातीय शक्तियों की वजह से परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी तो हम पढ़ नहीं रहे, तो हिंदी के दृष्टिकोण से ये अचल है। अब इसके पर्यायवाची में गिरी होता है, शैल होता है, नग भी कहा जाता है, महीधर भी कहा जाता है, ठीक, और अद्रि भी कहा जाता है, तो ये सारे पर्यायवाची हैं। अच्छा, अचला कहा जाता है पृथ्वी को, ध्यान दीजिएगा अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है और अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो अचला आप देखें पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, इतने सारे पृथ्वी के पर्यायवाचियों को आपने देखा। अक्षर, अक्षर यानी जिसका कि क्षरण न हो, जो क्षय न हो, तो ऐसी चीज़ को हम मोक्ष भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, शिव का भी वही तात्पर्य होता है और ब्रह्मा का भी वही तात्पर्य होता है। कहने का मतलब शिव और ब्रह्मा से भगवान से तात्पर्य है, तो भगवान तो अक्षर ही है। इसके बाद आप असुर को देख लीजिए, असुर यानी जो सुर न हो, ठीक। अब इन्हें धनुज भी कहा जाता है, दानव भी कहा जाता है, दैत्य भी कहा जाता है, राक्षस भी कहा जाता है, निशाचर भी कहा जाता है, रजनीचर, तमीरचर, यादुधान, सुरारी, यातु, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अद्वितीय एक बार फिर से आ गया है, और निराला, इस तरह के शब्द ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे। अमृत को आप देख रहे हैं, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सुरभोग, सोम, ये सब जो शब्द हैं ये अमृत के पर्यायवाची हैं। अनेक का पर्यायवाची नाना, कई, एकाधिक, अनुवाद का भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, ये सब कहा जाता है। और अन्वेषण का क्या है, अन्वेषण का गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान इत्यादि। और भी देख लेते हैं इसी क्रम में, यहाँ आप देख रहे हैं अपमान का क्या है, अनादर है, अवमान है, बेइज्जती है, अवज्ञा है, तिरस्कार है, उपेक्षा है, निरादर है, अवहेलना है, तौहीन है, ये सारे हैं। इसके बाद अपराध को आप देखें, कसूर, दोष, जुर्माना, माफ कीजिए, जुर्म कहते हैं ना, जुर्म किया है, तो ये सब अपराध के पर्यायवाची हैं। अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला इत्यादि। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होगा, तो अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा, ये सब। अब आइए इधर वाले हिस्से की ओर, ये आप देख रहे हैं अ से, तो अभिजात, अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कि उत्तम हो, तो पूज्य भी कहते हैं, उच्च भी कहते हैं, कुलीन भी कहते हैं, जो कि उच्च कुल से संबंध रखता है, संभ्रांत, विशिष्ट और योग्य भी कहा जाता है, अरहत भी बोलते हैं इसको। इसके बाद अश्व यानी घोड़ा, तो इसे हय कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, तुरंग बोलते ही हैं, घोटक बोलते हैं संस्कृत में, घोड़ा बोलते हैं। इसके बाद रविसुत कहा जाता है, भगवान सूर्य के पुत्र थे अश्विनी कुमार, ठीक, तो भगवान सूर्य के ये जो दो पुत्र हैं ये अश्विनी यानी घोड़ी से उत्पन्न हुए थे, ठीक है, तो ये घोड़ा जो है ये रविसुत कहा जाता है। इसके बाद आप सैंधव को देख रहे हैं, ठीक, सैंधव क्यों कहते हैं, अच्छा,
तो ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है? नहीं, यहाँ सिंधु नदी से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर सिंधु यानी समुद्र से तात्पर्य है। तो ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो घोड़े को भी उसी से प्राप्त किया गया था। घोड़े जो है वो समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप बाहर आते हैं, इसलिए सैंधव। किंकिर कहा जाता है, केशी, केसरी, केसरी देखिए इसको घोड़े को भी बोला जाता है। इसके बाद खेट, चामरी, धौरे, मराल, मराल हंस का भी पर्यायवाची है और घोड़े का भी है। और आप देखें रथवाह, राजवाह, सारंग, हयंत, सारंग भी जो है वो बहुत सारे जीवों का पर्यायवाची होता है। अधर को देखिए, अधर का पर्यायवाची ओष्ठ, ओठ, रदछत, रदपुट, लब, ये सब है। अज का देखिए, तो अज मतलब जिसका कि जन्म ना हुआ हो, यानी वो अजन्मा हो, तो ऐसे कौन हो सकते हैं? ईश्वर हो सकते हैं यानी ब्रह्मा हो सकते हैं, या जितने भी भगवान जी लोग हैं वो सब हो सकते हैं। दशरथ मतलब महाराज दशरथ इक्ष्वाकुवंशी, तो उनके पिता का नाम भी अज था, यानी भगवान राम के दादाजी का भी नाम अज था। और बकरा को भी कहा जाता है अज। इसके बाद आप अर्थ को देख रहे हैं, अभिप्राय, धन, अर्थ जो है वो धन को भी कहा जाता है, आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और हेतु, इस बात का अर्थ क्या है, क्या अर्थ निकलता है, क्या हेतु निकलता है, ऐसे। अरुण ये सिंदूर का पर्यायवाची मूल रूप से, ठीक है, सिंदूरी रंग को अरुण कहा जाता है। अब जब प्रातः काल में सूर्य उदय होता है तो शुरुआती सूर्य कैसा होता है, एकदम सुर्ख ऑरेंज कलर का होता है, एकदम सुबह सुबह उठ के इस समय बड़ी खूबसूरत सुबह होती है, कार्तिक महीना जो चल रहा है ना, इस समय बड़ी लुभावनी सुबह होती है। जरा सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और आसमान में देखिएगा जब सूर्य का बिंब निकलता है तो एकदम ऑरेंज कलर का लगेगा कि एकदम ऑरेंज टॉफी है तो इस तरह का दिखाई देता है। तो इसलिए ये सिंदूर, और वो जो सूर्य का स्वरूप होता है ना उसको अरुण रवि कहा जाता है, यानी सिंदूर के समान जो लाल सूर्य है वो। और ये बाल सूर्य भी कहे जाते हैं, बच्चे हैं अभी, इन्हें देखना आसान होता है, वहाँ निगाहें टिक सकती हैं आपकी। अंक को देखिए, अंक का पर्यायवाची हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक हिस्सा है तो उसको भी अंक कहते हैं कि नाटक के इस अंक में ये घटना हुई थी। एक भाग को भी अंक कह सकते हैं, सर्ग, सर्ग जो होता है उसको भी अंक कह सकते हैं, क्रमांक को तो बोलते हैं। अनार, दाडिम कहा जाता है, शुकप्रिय भी बोलते हैं, तोते इसको बहुत तेज खाते हैं, और राम बीज और शुकोदन भी कहा जाता है। अंधा, अंधे का पर्यायवाची नेत्रहीन, सूरदास तो एक उपमा हो गई, इसके अलावा अंध कहते हैं, चक्षुविहीन कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है, दृष्टिहीन भी कहा जाता है और चक्षुहीन भी कहा जाता है। अनाज का आप देख रहे हैं तो अन्न, गल्ला, धान्य, ये रहा। शस्य, खाद्यान्न, दाना, धान। और अध्यापक का देखिए, आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक, उपाध्याय इत्यादि। अतिथि का आप देख रहे हैं, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, आगत, गृहागत, मुलाकाती, ये सारे शब्द हैं। अधिकार का आप देख लीजिए, स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य, अर्हता, कब्जा, क्षमता, दावा, ये सब है। अचेत का देखिए, तो अचेत का क्या होगा, मूर्छित होगा, बेहोश होगा, बेखबर होगा, संज्ञाविहीन होगा, जिसमें कि कोई संज्ञान न हो। चेतनाहीन कहा जाता है, चेतना शून्य कहा जाता है, संज्ञा शून्य कहा जाता है। अच्छे का क्या होगा, चोखा, बढ़िया, उम्दा, घना, आला, घना बोलते हैं, घना अच्छा लग रहा है, ठीक। इसके बाद अपार, अपार का क्या होगा, असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निसीम। अंश का क्या होगा, भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, ये सारे। आगे बढ़ते आ से देख लीजिए, तो आ से पहले है आकाश, और आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें से आधे से अधिक जो है वो अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। आकाश और अंतरिक्ष में हल्का सा अंतर है, आकाश वो हिस्सा है अंतरिक्ष का जिसे कि हम पृथ्वी पर बैठे बैठे देख पाते हैं और वो हमें नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक। और अंतरिक्ष का मतलब वो पूरा स्पेस है, यूनिवर्स जिसे आप कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, दोनों में अंतर है। अब गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्यौ, पुष्कर, पुष्कर जो है वो तालाब का भी पर्यायवाची है और आकाश का भी है। आसमान, खगोल, फलक भी कहते हैं, तारापथ कहते हैं, दीव कहते हैं, दीव कहते हैं, और नाक भी कहते हैं, वो नाक खुजाने वाली नाक नहीं, ये नाक अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होगा, तो आकाशगंगा यानी गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे खगोलीय पिंडों का एक झुंड होती है जिसमें कि अनेकों सौर मंडल होते हैं और हमारे सूर्य जैसे अनेकों तारे होते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं। अब इसमें स्वर्ग नदी कहा जाता है, इसके अलावा सुर नदी कहा जाता है, मंदाकिनी कहते हैं, नभो नदी और नभगंगा कहते हैं। अच्छा, इसे आकाशगंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगर आसमान में आप देखें तो तारों का ऐसा ये बृहद समूह होता है, इसके अलावा इसमें गैसों के बादल पाए जाते हैं, धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि साफ आसमान में कहीं पर एक हल्की सी नदी बह रही और उसका आकार दूधिया होता है, जो स्वरूप है वो दूधिया होता है, इस वजह से उसको आकाशगंगा कहा जाता है, दूध गंगा भी कहते हैं। इसके बाद आप देखें आक्षेप, तो आक्षेप का आरोप, दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम, ये सब हो सकता है। आनंद का आप देख रहे हैं, सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, ये सब है। आकृति का चेहरा, मोहरा, नयन नक्श, गढ़न, डीलडोल, आकार। और आदित्य यानी भगवान सूर्य, लेकिन आदित्य का मतलब भगवान सूर्य नहीं होगा, सूर्य भगवान को प्रचलित तौर पर हम लोग आदित्य कहते हैं, अदिति के पुत्र। और जितने देवता हैं वो सब देव माता अदिति के पुत्र हैं, मतलब कश्यप ऋषि की दो पत्नियाँ थीं, दिति और अदिति। तो दिति से जो उत्पन्न हुए वो दैत्य थे, उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियाँ थीं, मतलब अच्छे गुण नहीं थे, नकारात्मक थे। और अदिति चूँकि सकारात्मक महिला थी, अच्छी महिला थी, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो देवता के गुणों वाले थे, तो उनको आदित्य कहा गया। अदिति के जितने भी पुत्र हैं वो सभी आदित्य हैं।
उसमें से भगवान सूर्य जो है वो ज्यादा प्रतापी है। तो यहाँ आपने देखा भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, ये सब है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। आम का देख लीजिए, और आम से पहले इधर आंसू का देख लीजिए और आकलन का देख लीजिए। तो आकलन का कूदना होता है, इसके अलावा आंकना होता है, आगणन भी होता है, और आप देख रहे हैं आम का सहकार, रसाल, आम्र, ये सारा ढेर सारा है यहाँ पे। पियम्बू, पिकबंधु, अमृत फल, मनमथालय, मनमथ जो है वो कामदेव को कहा जाता है। अम्ब कहते हैं आम को, आम्र भी कहते हैं, आम्र तो संस्कृत है। अति सौरभ और फल श्रेष्ठ कहा जाता है, फलों का राजा है ही है। मधुदूत भी कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं आंसू, अश्रु, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर, ये सब है। इसके बाद आप आंख का देखिए, तो दीदा कहते हैं, कहते हैं किसी काम में दीदा नहीं लग रहा, यानी आंखें वहां नहीं टिक रही। इसके अलावा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबर, माफ कीजिए अंबक, ठीक है, अंबक जो शब्द है वो आंख के लिए इस्तेमाल होता है। ईक्षण भी कहा जाता है, विलोचन भी कहते हैं, प्रेक्षण भी कहते हैं, ये सब आंख के पर्यायवाची। आतंक का क्या होगा और आदर्श का क्या होगा? तो पहले आदर्श का देखें, मानक, नमूना, प्रतिरूप और प्रतिमान, और आदर्श कोई चीज़ नहीं होती, दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि आदर्श है। आतंक का जो पर्यायवाची है उसमें भीषिका है, इसके बाद उपद्रव है, और अभिभय, अतिभय कहा जाता है, असल में संतरास होता है, दहशत होता है, ये सब आतंक के पर्यायवाची। कहीं कहीं आप विभीषिका देखते हैं, तो विभीषिका का मतलब क्या है कि और ज़्यादा आतंक, मतलब बहुत भयंकर प्रकार का जो आतंक है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं आंगन का, तो आंगन का अंगना होता है, अजीर होता है। आप चौपाई पढ़ते हैं ना, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कुछ लोग अजर बोलते हैं लेकिन असल में क्या है, अजीर है, यानी अजीर बिहारी, जो दशरथ के अजीर में विहार कर रहे हैं, यानी दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी को हम नमन करते हैं। तो ये इसमें है, अजीर का मतलब आंगन। प्रांगण भी होता है, बगर भी होता है, बखर भी होता है, जैसे आप पहले के समय में बखरी सुनते थे, कच्चे मकान होते थे तो उसमें बरामदा या आंगन जो क्षेत्र होता था उसको बखरी कहा जाता था। इसके बाद आप देखें आदि, तो आदि का क्या होगा? पहला, प्रथम, आद्यम, शुरू का, आरंभिक, इत्यादि, और आधार का, मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद, आश्रय। आकर्षण का क्या हो जाएगा? दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन इत्यादि, ये सब है, और भी है लेकिन जितने काम के हैं उतना देखेंगे। आधुनिक का देखिए, तो आधुनिक का होगा नूतन, नया, वर्तमानकालीन, अर्वाचीन इत्यादि। आपत्ति का देख लीजिए, आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति, और आज्ञा, आज्ञा का क्या होगा? अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत, और आखिरकार का अंततः, अंतोगत्वा, परिणामतः, फलतः, यहाँ आप देख रहे हैं आश्रय, तो आश्रय का अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय। आयुष्मान का चिरंजीव, दीर्घायु, सतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। आवश्यक का क्या हो जाएगा? जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार्य, अनिवार्य, बाध्यकर, लाजमी। आवाज का क्या होगा? शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी, रव भी कहा जाता है, इसीलिए नीरव मतलब जहाँ कोई ध्वनि न हो। आगे देखें आप आशीर्वाद, तो आशीर्वाद का क्या होगा? आशीष हो सकता है, आशीर्वचन हो सकता है, मंगल कामना भी हो सकता है, हालांकि दोनों में अंतर है। किसी के मंगल की अगर आप कामना कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, और उसे किसी चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि जाओ ये हो जाएगा, दोनों में अंतर है। इसके बाद आवेग, तो आवेग का पर्यायवाची क्या होगा? स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता और त्वरा, त्वरित काम किया, त्वरित काम किया मतलब जल्दी से काम किया, तो इसका मतलब है आवेग में आगे किया। इसके बाद आप देखें आडंबर, तो प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढो, प्रपंच, ये सब है। और आप देख रहे हैं आश्रम, तो मठ, विहार, कुटी, संघ, स्तर, अखाड़ा, ये सारे पर्यायवाची जो हैं ये आश्रम के हैं। और आप देखें आचार, तो चरित्र, आचार मतलब आचार विचार अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं चरित्र अच्छा नहीं, तो चरित्र, स्वभाव, धूल ही भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, वो धूल नहीं है, धूल ही है। और चाल ढाल, चाल चलन, व्यवहार, ये सब है। आख्यान को आप देखिए, आख्यान के पर्यायवाची में कहानी आता है, किसी चीज़ को आप सुना रहे हैं, यानी कहानी की तरह सुना रहे हैं। कथा, वृतांत, इतिवृत्त, किस्सा इत्यादि। आहार का आप देख रहे हैं भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। और आभूषण का क्या होगा? ध्रुव होता है, जेवर होता है, गहना, अलंकार, विभूषण होता है, ध्यान दीजिएगा ये विभीषण नहीं है, विभूषण है, भूषण भी होता है, आभरण होता है, मंडन होता है। तो ये हमने देखा, अब आगे चलते हैं, क्रम से चलेंगे। इच्छा का देख लीजिए, तो इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा होता है। निष्प्रिय का मतलब क्या होता है? निष्प्रिय का मतलब होता है जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई इच्छा ही ना हो, या तो वो मर गया हो तो इच्छा नहीं है। और लिप्सा, लिप्सा भी इच्छा कोई कहा जाता है, ये उत्कट इच्छा होती है, किसी लालच को, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके कि लालच में आप एकदम से पड़ गए हैं बुरी तरह से, तो वो लिप्सा है। इसी प्रकार से ईप्सा और ईहा है, तो ये विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, एक तरह की इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर्यायवाची देख रहे हैं तो सबको एक साथ देखेंगे। इंद्र का आप देखें बहुत सारा है, तो सुरपति, शचीपति क्यों कहा जाता है, इनकी पत्नी का नाम शची था, और मधवा कहते हैं, शक्र कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, यानी पुरों का ध्वंस करने वाले, और कौशिक कहा जाता है, देवराज तो बोलते ही हैं, मेघपति बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं, सहस्त्राक्ष बोलते हैं, कहा जाता है इनके पास 100 आँखें हैं, अमरपति बोलते हैं, अमरावती, नरेश कहते हैं, जिष्णु कहते हैं,
विष्णु तो अलग है भगवान नारायण, लेकिन जिष्णु जो है वो ये इंद्र को कहा जाता है। पुरहुत कहते हैं, विबुधेश भी कहा जाता है। विबुध मतलब होता है देवता और विबुधेश मतलब देवताओं का राजा। वज्रधर यानी वज्र को धारण करने वाला, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था वज्र, जो कि वृत्तासुर के वध के लिए तैयार किया गया था, और इसीलिए वृत्तासुर को इंद्र ने मारा था, इसीलिए इन्हें वृत्रिहा कहा जाता है, यानी वृत्त का हरण करने वाले। और वज्रधर कहते हैं और वासव भी कहा जाता है। वासव जो शब्द है ना, वो भी इंद्र का ही पर्यायवाची। अच्छा, आप इंद्राणी को देख लीजिए, लगे हाथ, तो इंद्रवधु इन्हें कहते हैं, इंद्रा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंद्रा कहते हैं, इंदिरा नहीं कहते। इंदिरा जो है ना, वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची, ठीक। और इंद्रा जो है, ध्यान से यहाँ जो वर्तनी है देख लीजिएगा, ये इंद्राणी का पर्यायवाची यानी शची का पर्यायवाची। शची इनका मूल नाम था, पुलो इन्हें पुलो यहाँ आप देख रहे हैं, पुलोमजा भी कहा जाता है, मध्यावती कहा जाता है, शतवारी कहा जाता है, ये शतावरी है असल में, पौलोमी कहते हैं, ऐन्द्री कहा जाता है, जयवाहिनी, महेंद्री, शक्राणी और शची, ये सब। अब इंद्रधनुष को आप देखें तो इंद्रधनुष आप जानते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो देवराज इंद्र का धनुष है, और ये शक्रचाप कहलाता है, शक्र इंद्र को कहते हैं, चाप मतलब धनुष, तो इंद्र का धनुष। सप्तकर्ण इसे कहा जाता है, धन तो बोलेंगे ही, इसके अलावा इंद्रधनु, सूर्यचाप, धनुक, इंद्रचाप, सूर्यधनु, सप्तवर्ण, सात रंग होते हैं, इसलिए सप्तवर्ण कहते हैं। अब इधर आ जाइए, इठलाना, तो शेखी मारना होता है, ऐठना होता है, इतराना होता है, अपनी शान दिखाना होता है, ये सब इठलाने में आता है। इशारा को देख लीजिए, सैन, इसके अलावा देखिए सैन जो है ना, वो भी इशारे को कहा जाता है, निर्देश, संकेत, इंगित। इच्छुक का देख लीजिए, अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, आतुर। इनकार का क्या होगा, प्रत्याख्यान होगा। आख्यान मतलब कोई चीज़ आपने कही और उस पर किसी ने कटाक्ष किया, आक्षेप किया, मतलब उस पर विरोध किया, तो उसको कहेंगे प्रत्याख्यान। इसके बाद अवंगीकार, अगर आप अंगीकार कर रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं, और अवंगीकार कर रहे हैं तो इनकार कर रहे हैं। निषेध हो सकता है, अस्वीकृति हो सकता है, और अवंगीकरण वही चीज़ है। इति को देख लीजिए, इति का मतलब समापन यानी अंत, लेकिन इति जो शब्द है ना, ये पूर्णता का एहसास दिलाता है, मतलब कोई चीज़ संपूर्ण हो चुकी है, ऐसा नहीं कि उसे अधूरा ही समाप्त कर दिया गया। तो इति का मतलब अंत, अशेष यानी अब कुछ भी शेष नहीं है, और इत्यर्ल भी कहा जाता है, समापन भी कहा जाता है। इंद्रपुरी देवलोक इसे बोलते हैं, अमरावती बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात नहीं हो रही है, ये देवराज इंद्र की नगरी, तो अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरलोक, स्वर्ग, देवलोक, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। और इनाम का क्या होगा पर्यायवाची, पारितोषिक होता है, विजय उपहार होता है, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार जो दिया जाता है यानी उपहार दिया जाता है। इसके अलावा उपहार और पुरस्कार जैसे शब्द तो है ही। ईश्वर का देख लीजिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं ईश्वर का, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज जो कि अजन्मा है, जगदीश, जगन्नाथ, पारब्रह्म, निरंजन, परवरदिगार। अब ये देखिए हिंदी भाषा वाले जो पर्यायवाची है सिर्फ उन्हीं को देखेगा, क्योंकि वही आपके काम के। तो ब्रह्म है, विभु है, सच्चिदानंद है, सृष्टा है और स्वयंभू है, क्योंकि जो टेस्ट है ना आपका, ये क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में तो वो हिंदी के आएंगे, अरबी के नहीं आएंगे या किसी और लैंग्वेज के नहीं आएंगे, तो उनके पर्यायवाची पूछे नहीं जाएंगे। पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, तो जो पूछा जाए सिर्फ उतना देखते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे ईमानदारी, तो निष्कपटता है, निश्चलता है, सदा शहता है, दयानतदारी भी कहा जाता है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। ईर्ष्या को आप देखें, अमर्श, अमर्श बोलते हैं, असूया बोलते हैं, आंट कहते हैं, कहते हैं आटा आटी में लगे हुए हैं, आटा आटी यानी कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या होती ही है। इसके अलावा ईर्ष्या कहते हैं, गांव में लोग ईर्खा कहते हैं, कीना कहते हैं, खार खाए बैठे हैं, खुन्नस लगाए बैठे हैं, ऐसे बोलते हैं। वैमनस्य पाल लिया है, बैर भाव आ गया है, मत्सर उपज गया है, मत्सर का मतलब भी ईर्ष्या होता है। डाह, वो हमें डाह रहे हैं यानी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो हमसे कुड़ रहे हैं यानी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो हमसे द्वेष रखता है यानी मुझसे ईर्ष्या करता है। स्पर्धा का मतलब भी शाब्दिक अर्थ होता है ईर्ष्या, यानी आप अगर कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो जो नोट्स शेयरिंग नहीं करते हैं ना लोग, नोट्स बनाते हैं दूसरे को नहीं देते हैं, तो उसके पीछे ये जायज कारण है, क्योंकि ईर्ष्या होती है आपस में। इसके अलावा भाई अब इधर आ जाइए, गन्ने का देख लीजिए, ईख जो है वो गन्ने को कहा जाता है, और गाँव देहात में ऊख कहते हैं, तो ये देहाती है। इसके अलावा गन्ना कहते हैं, रसदंड कहते हैं, रसाल कहते हैं, पेड़ी कहते हैं, पेड़ी या पैड़ी जो है ना, ये गन्ने की कलम को कहा जाता है, इसकी सेपलिंग्स लगाई जाती हैं, तो वो बीच बीच में से जहाँ जहाँ गठाने इसकी होती है वहाँ से काट के इसको रोपा जाता है ज़मीन में, ताकि नया पौधा जन्म ले, तो उसको पेड़ी बोलते हैं। रसद बोलते हैं, इक्षु बोलते हैं, ईख का ही तत्सम रूप है इक्षु, और पौंडा भी बोलते हैं। अब आइए ऊ की तरफ, तो उचित का जो पर्यायवाची है उसमें ठीक, समीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब, उपयुक्त, ये सब है। अच्छा, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, उलझन का, अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, द्विविधा। द्विविधा का मतलब क्या, दो विधाओं में आप पड़े हुए हैं, कि इधर जाएं कि उधर जाएं, डायलिमा की स्थिति। और धर्म संकट भी कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता भी कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि किंग कर्तव्य विमूढ़ता का मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें कि आपको ये ना समझ में आए कि करणीय क्या है, यानी आपका कर्तव्य क्या है, तो ये परिस्थिति कहलाती है किंग कर्तव्य विमूढ़ता, और वो उलझन ही होती है असल। अच्छा, चक्कर भी कहते हैं, बड़े चक्कर में पड़ गए हैं कि करें कि ना करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप उलझन में पड़ गए। उदास का देख लीजिए, उन्मन,
अनमना असल में, ठीक। अप्रसन्न भी होता है, विषण भी होता है जो कि विषादग्रस्त हो, खिन्न भी कहा जाता है, और चिंताकुल और उद्विग्न जैसे जो शब्द हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी क्रम में और देख लीजिए, उपयुक्त तो वांछनीय इसका होता है, ठीक होता है, वाजिब होता है, मुनासिब होता है, उचित संगत समीचीन भी हो सकता है। उपहास का क्या होगा, हंसी खिल्ली, उपेक्षा, अपमान, परिहास और मखौल हो सकता है। उपवास का निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, ये सब है। उपेक्षा का क्या होगा, लापरवाही। इसके अलावा विरक्ति, उदासीनता, अनाशक्ति, विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा, अवहेलना। उपस्थित का क्या होगा, मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर, वर्तमान। उपाय का ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब, तदबीर भी कहा जाता है, तदबीर भी इसी को बोलते हैं, यानी उपाय को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप उपेक्षा का देख रहे थे ना, तो उपेक्षा में विराग भी जो है ये उपेक्षा का पर्यायवाची, यानी राग नहीं उत्पन्न हुआ, उसमें लगाव नहीं हुआ, बल्कि उससे घृणा हो गई। तो जिस चीज़ से आपको घृणा होती है या जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। इसके बाद उपासना को देखें आप, तो आराधना इसका पर्यायवाची है। पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत भी कहते हैं, हालांकि ये हिंदी का शब्द नहीं है। प्रार्थना, ये सब ये क्या है, उपासना के पर्यायवाची। उल्टा का क्या होगा, तो विपरीत होगा, प्रतिकूल होगा, विलोम होगा, प्रतिलोम होगा, औधा होगा, विरुद्ध होगा। अब बड़े ऊ की तरफ आ जाइए, तो ऊ से ऊँट, तो ऊँट का क्या होगा, पहले यही देख लीजिए। लंबोष्ठ इसको कहा जाता है। आपने ऊँट का मुंह देखा है, ध्यान से देखिएगा, बड़े बड़े दांत होते हैं और नीचे वाला होंठ जो है बड़ा मोटा और बड़ा सा होता है। वो जब पगुरी करता है यानी मुंह चलाता है तो वो ओठ स्पष्ट दिखाई देता है बाहर, इसीलिए इसको कहते हैं लंबोष्ठ। इसके बाद महाग्रीव, असल में इसके लंबे होंठ जो है वो इसकी जलवायु की अनुकूलता के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत सूखे इलाके में रहता है, रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है, तो वहाँ पानी की कमी होती है, कभी कई कई बार कीचड़ में से ये पानी अपना प्राप्त कर लेते हैं जब पानी कहीं नहीं मिलता है और सर्वाइव करना होता है, तो वो होंठ चूसने के लिए बने होते हैं ताकि कीचड़ या जो थोड़ा दलदल टाइप का स्थान है वहाँ से भी ये पानी चूस कर पी सकें और पूरा पानी बर्बाद ना हो, सीधा इनके मुँह में जाए, इसलिए होता है। अच्छा, महाग्रीव बोलते हैं, इनकी गर्दन आपने देखी ही है। उष्ट्र कहा जाता है, उष्ट्र कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभी कालिदास का जो कबाड़ा हुआ था ना विद्योत्मा के सामने, वो इसी वजह से हुआ था, वो उष्ट्र नहीं कहे, उट्र कहने लगे, तो विद्योत्मा को मालूम हो गया कि ये व्यक्ति जो है ये महामूर्ख है, शास्त्रार्थ में भले ही चालबाजी से जीत गया है लेकिन ये बुद्धि का एकदम हीन है, और उसके बाद विद्योत्मा उन्हें खदेड़ देती हैं घर से। अच्छा, क्रमेलक कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी का इसका रूपांतरण है कैमल, वो क्रमेलक से ही बना हुआ है, काफ़ी मिलते जुलते नाम है। खैर, अब इसके बाद ऊसर को देखिए। ऊसर वो ज़मीन होती है जहाँ अगर आप बीज डाल देते हैं और खाद पानी भी देते हैं तो कुछ कायदे का पैदा नहीं होता, तो अनुर्वर उसको कहा जाता है, सस्यहीन कहा जाता है और अनुपजाऊ कहा जाता है, बंजर भी कह सकते हैं। ऊर्जा का क्या होगा, शक्ति होगा, ओज होगा, स्फूर्ति होगा, और ऊष्मा का क्या होगा, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है आप जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब यहाँ हिंदी के अनुसार देखें तो तपन इसे कहते हैं, उष्णता कहते हैं, ताप कहते हैं, गर्मी कहते हैं और ताव कहते हैं। अच्छा, ऊधम का देखें, बच्चों को लोग कहते हैं ना क्या ऊधम चौकड़ी मचाए हुए हैं, ऊधम मचा कर रख दिया है, तो मतलब यह है कि उपद्रव करके रख दिया है, सब कुछ तोड़ रहे हैं, सामान बिखेर रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, धमा चौकड़ी कर रहे हैं, अशांति फैला दी है, और वही अशांति अगर जानलेवा हो जाए तो दंगा कर दिया है और झगड़ा फसाद, ये सब भी इसी में आता है। उबड़ खाबड़ का क्या होगा, बीहड़, चंबल नदी जो है वो नालिका अपरदन की वजह से बीहड़ बनाती है ना, जीएस में आपने पढ़ा है मतलब ज्योग्राफी में, तो बीहड़ यही होते हैं, बीहड़ का मतलब ऊबड़ खाबड़ स्थान। इसके बाद असम भी कहा जाता है। अब ये असम वो प्रदेश वाला असम नहीं कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद आने लगे, असम, अ मतलब ये विरोधी उपसर्ग है और सम का मतलब होता है समान, तो सम में अगर आप अ उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाएगा जो समान न हो, यानी असम। इसके बाद अटपटा, तो अटपटा का क्या होगा, अटपटा भी ऊबड़ खाबड़ को ही कहा जाता है और ऊंचा नीचा होता है, उच्चावच होता है, भूगोल में आप उच्चावच पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ऊँग को देखिए, तो ऊँग का मतलब होता है तंद्रा, ऊँघाई, झपकी, अर्धनिद्रा, ये पूरी नींद नहीं होती है, एक जो गहरी नींद होती है वो नहीं माना जाता, अर्धनिद्रा होती है, मतलब आप बाहर की भी बातों और बाहर की भी गतिविधियों से संज्ञान रहते हैं, यानी उसे भी जानते रहते हैं। और अलसाई भी होती है, यानी आलस में पड़े हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है या काम करने की इच्छा ही नहीं असल में, और आप ऊँघ रहे हैं, यानी आँख बंद कर ली है लेकिन बाहर की दुनिया की भी आवाज़ें आपके कान में घुस रही हैं। एकदम गहरी नींद में हो जाएंगे तो आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाएंगी, बाहर की कोई आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी अगर आप गहरी नींद में हैं तो। इसके बाद आप देखें ऊंचा, तो ऊंचा का क्या होगा, उच्च, उत्तुंग, बुलंद, यहाँ बुलंग नहीं होगा, बुलंद होगा, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी, शीर्षस्थ, लंबा इत्यादि, ये सारे हैं जो कि ऊँचे के पर्यायवाची। इसके बाद आप री से देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो री से ज़्यादा नहीं है, इसमें रिद्धि है, रिद्धि सिद्धि, ये कौन है, ये गणेश जी की पत्नियां हैं, तो संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि, ये सब कहा जाता है।
और ऋषि का पर्यायवाची क्या होगा? तो मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत, मंत्र, दृष्टा, जो कि मंत्र को देखने वाले हो, और मंत्र वक्ता भी कह सकते हैं, मांत्रिक तो नहीं कहेंगे, मांत्रिक का मतलब दूसरा हो जाएगा। अच्छा, एक सा का मतलब समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न, ये सब है। एकता का क्या होगा? एक रूपता हो जाएगा, एक सूत्रता हो जाएगा, ऐक्य हो जाएगा, अभिन्नता हो जाएगा और अभेद हो जाएगा। एकांत का आप देखें, सुनसान, शून्य, सूना, देखिए शून्य जो है ना वो तत्सम है और सूना जो है वो उसी का तद्भव है। अच्छा, निर्जन कहते हैं, निमृत कहते हैं। इसके बाद आप देखें, ये एहसान है नीचे और एकाएक है, तो एकाएक को पहले देखते हैं। अकस्मात, अचानक, अचिंतित। इसके बाद सहसा, एकदम, यकायक, आकस्मिक, यकबक और यकबारगी, मतलब एक बारगी, ये सारे हैं। और एहसान का क्या होगा? अनुग्रह, कृतज्ञता, आभार हो जाएगा। अब आइए ऐसे, तो ऐसे ऐश, ऐश माने ऐश्वर्या राय नहीं, ये विलास का पर्यायवाची है, याशी का पर्यायवाची है, याशी को भी कहते हैं कि ऐश कर रहे हैं, तुम्हारी तो ऐश है। और सुख चैन को भी ऐश कहते हैं। इसके बाद आप देखें, मतलब देवी लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य की देवी है, यानी ऐश्वर्य का जो डिपार्टमेंट है वो उनके जिम्मे है, तो उन्हीं की कृपा से भोग विलास के साधन जो धन संपदा है वो प्राप्त होती है और उसी से आप ऐश करते हैं। इसके बाद ऐच्छिक, तो सेवा स्वेच्छाकृति हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा, अख्तियारी भी कहा जाता है, ठीक। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देखें ऐश्वर्य, तो ऐश का आपने देखा वैसे ही ऐश्वर्य, अभी इसका मतलब होता है संपदा, शाब्दिक अर्थ क्या है? संपदा या धन से तात्पर्य, धन संपत्ति से तात्पर्य। धन का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियों से नहीं होता है, चल और अचल संपत्ति दोनों उसमें आती है। अचल संपत्ति का मतलब वो जैसे जमीन जायदाद होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो सब अचल संपत्ति में आता है। या संपदा भी कई प्रकार की, बौद्धिक संपदा भी हो सकती है, हो सकता है कि आप दिमाग के धनी हो, तो वो तो सबसे बड़ी संपदा है। तो इस तरह से ऐश्वर्य का ये पर्यायवाची है। श्री संपत्ति, धन संपत्ति, रिद्धि, ये सब जो है ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं वो पीछे था ना मनमाफिक, तो सावकल, पसंद का, इच्छा का, ये सब उसका पर्यायवाची था जो कि छूट गया था ऊपर। ऐठन का क्या होगा? मरोड़ होगा, बल होगा, तनाव होगा, अकड़न होगा, उमेठन होगा। ओज का देख लीजिए, तो बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, ओज का क्या होगा? यहाँ देखिए कई बार पूछा जा चुका है, तुषार, हिमकण, हिमसीकर कहते हैं, इसके अलावा हिमबिंदु कहते हैं। अच्छा, सीकर मतलब पानी होता है, पानी की बूंदें होता है। तुहिनकण कहते हैं, हिमांबू भी बोलते हैं, तुहिन भी बोलते हैं, शबनम कहते हैं और जल कहते हैं। जल तो एक सामान्य तौर पे पानी को कह देते हैं, लेकिन ये ओस के कण हैं, तो जल इसका पर्यायवाची बहुत ठीक नहीं। ओछा का क्या होगा? कमीना, गाली लोग देते हैं। इसके अलावा छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का, इस तरह के शब्द। और ओझल का क्या होगा? अंतर्ध्यान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त, विलोचन, तिरोहित, फिर से आ गया छूमंतर, कहते हैं छूमंतर हो गया, यानी लुप्त हो गया, आंखों के सामने से गायब हो गया। औषधि का हो जाएगा भेषज। इसके अलावा दवा, दवाई, औषध, रसायन, ये सब भी होता है। दवा क्या है? रसायन ही तो है। और का क्या होगा? अधिक, ज़्यादा, बढ़कर, इसके बाद, ऐसा। और, एवं, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न, मतलब और का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो आपको बताया गया। अब क से आइए, तो क से कमल, और कमल से कमल का जो पर्यायवाची है उसमें आप देख रहे हैं उत्पल कहा जाता है, कुबलय कहा जाता है, इंदिवर। अब ये देखिए कमल की अलग अलग वेरायटी का नाम है, लेकिन यहाँ ओवरऑल हमें पर्यायवाची देखना है। कमल जो है नीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, तो उस हिसाब से नाम होते हैं। अब नलिन कहते हैं, सरोज कहते हैं, सरोज यानी जो सरोवर से जन्म ले। अरविंद कहा जाता है, लाल रंग का जो कमल होता है उसको अरविंद कहते हैं। शतपत्र कहा जाता है, सरसिज कहते हैं, शतदल कहते हैं, सरसीरूह कहते हैं, राजीव कहते हैं, कंज कहते हैं, अंभोज कहते हैं, पंकज कहते हैं, जो पंक से जन्म ले यानी कीचड़ से पैदा हो, अंबुज कहते हैं, पाथोज भी कहा जाता है, पुंडरीक कहते हैं, वारिज कहते हैं, सरोरूह कहते हैं, जलज कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, जलज है, अब लास्ट वाला जो ज है उसको अगर हटा के हम वहाँ पर द लिख देते हैं तो बन जाएगा जलद। तो जलज मतलब होता है जो जल से जन्म ले, और जलद मतलब होता है जो जल को दे, तो जल को देने वाला कौन? बादल, तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। कोकनद भी बोला जाता है, नीरज भी बोला जाता है। अब यहाँ भी नीरज में वो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ज की जगह हटा के द लगा दीजिए, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब्ज भी होता है कमल का पर्यायवाची, ताम्रस होता है, पारिजात भी कहा जाता है, पारिजात बहुत सारे पौधों को कहते हैं, और मकरंद भी बोलते हैं। अच्छा, अब कार्तिकेय का देख लीजिए, तो कुमार कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र, और वास्तविक पुत्र यही थे, गणेश जी तो मानस पुत्र थे। अब देखिए कुमार इन्हें कहा जाता है, षडानन कहा जाता है क्योंकि इनके छह मुख हैं। इसके अलावा शर्भ और स्कंद कहा जाता है। कार्तिकेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृतिकाओं के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। किरण, अब इसका पर्यायवाची आप देख रहे हैं, तो कर, मरीची, मयूख, अंशु कहा जाता है, और रश्मि भी कहा जाता है। रश्मि जो शब्द है ना, ये सूर्य की किरणों के लिए इस्तेमाल होता है। चंद्रमा की अगर किरण है तो उसको रश्मि नहीं कहेंगे, उसको ज्योत्सना कह सकते हैं, या उसके लिए और भी जो शब्द हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रश्मि नहीं। इसके बाद आप देखें, रश्मि केवल और केवल सूर्य की किरण होती है। इसके बाद आप क्रूर को देखें, तो क्रूर का क्या होगा? निर्दय हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, दयाहीन हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। बर्बर भी होता है, निर्मोही भी होता है, निष्ठुर भी होता है, और नृशंस भी होता है। कुबेर का आप देखें, यक्षराज होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज,
या राजा राज, किन्दरेश कहते हैं इन्हें, धनपति कहते हैं, धनेश कहते हैं, अलकेश कहते हैं, धनपाल कहते हैं, धनेश्वर कहते हैं, नृपराज कहते हैं, अधिपति, अर्धपति, अलकाधिप, इंद्रनिधि, ईशखा, एक कुंडल, किन्नर राज, कैलाशनाथ। अब कैलाशनाथ का मतलब ये भगवान शिव नहीं है, भगवान शिव के मित्र थे। और कोशनायक कहा जाता है, निधिवान कहा जाता है, नृवाहन कहा जाता है, पुण्य जनेश्वर कहा जाता है, भंडारी इन्हें कहते हैं, यक्ष कहा जाता है। जाति से ये यक्ष थे, यक्ष जो है वो एक डेमी गॉड टाइप के लोग होते हैं। और रुद्र सखा वित्तपति इन्हें कहते हैं, जो कि धन के स्वामी। इसके अलावा वैश्रवण, नीलकंठ, श्रीकंठ सखा और हथवाहन, हर सखा, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उसमें से कुछ भी अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो काम करेगा। कुबेर जो थे वो एक आँख से काने थे और शरीर इनका बड़ा ही बेडौल था, तो लोग इनकी हंसी उड़ाते थे। और रावण जैसा इन्हें एक अच्छा भाई मिल गया था जो कि इन्हें सताता रहता था, तो ये परेशान होकर फिर भगवान की आराधना करते हैं और भगवान के द्वारा इन्हें ये अधिकार दिया जाता है, मतलब खजांची बना दिया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इधर कमल के पर्यायवाची के साथ यहाँ कपड़े का पर्यायवाची नीचे। तो वस्त्र होता है, दुकुल होता है, पट होता है, वसन होता है, अंबर, चीर, चैल, परिधान, उत्तरीय, चुन्नी, ये सब होता है। कल्प वृक्ष का क्या होगा? सुरतरु होगा, हरिचंदन होगा, मंदार होगा, पारिजात होगा, देववृक्ष होगा, कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम, जिसके नीचे खड़े होकर अगर आप कोई कल्पना करते हैं तो वो साकार हो जाती है। और इसके बाद आप देखें कई, तो नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई एक। और कली का क्या होगा? कलिका, कोपल, जालक, मुकुल, ताम्रपल्लव, कल्पशाल, नौपल्लव, अखुआ कहा जाता है, ढोंडी कहा जाता है, कोरक कहा जाता है, गुंचा और शिगुफा भी कहते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये कुत्सित, ये यहाँ से, तो नीच, अधम, निकृष्ट, बुरा, खराब, घृणित, लंपट भी कहते हैं, हेय भी कहते हैं, गर्हित भी कहते हैं। कंठ का क्या होगा? ग्रीवा, गला, शिरोधरा। और यहाँ आप देखें, शिरोधरा मतलब क्या? सिर को धारण करने वाली। अब सोचिए अगर आपकी गर्दन नहीं होती तो आपका सिर जो है वो आपके कंधों पर आकर गिर जाता है ना, तो इसलिए यहाँ गर्दन को कहा जाता है शिरोधरा। और गर्दन तो कहते ही हैं, कंध भी बोलते हैं और कंधर कहा जाता है मूल रूप से, घांटी भी कहते हैं। तो घांटी जो बीच का हिस्सा है जहाँ उभरा हुआ होता है, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड जहाँ पे होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कूटनीति, तो छलबल होता है इसका पर्यायवाची, घात होता है, दावपेच होता है, चाल होता है और कूटयुक्ति होता है। कुत्ते का क्या होगा? श्वान, कुकुर, गांव में बोलते हैं कुकुर, और शुनक बोला जाता है, सारमेय बोला जाता है। क्योंकि इंद्र भगवान जो थे वो एक कुतिया पाले थे, और जब भी देवताओं की गायें चोरी होती थी तो वो अपनी गायों की खोज में निकलते थे और साथ में कुतिया को ले जाते थे। और जैसे आज के समय में डॉग स्क्वाड का यूज़ किया जाता है, वैसे वो कुतिया सूंघ कर पता लगा लेती थी कि उनकी गायें कहाँ पर चुरा कर रखी गई। वो आर्य और पणियों का युद्ध आपने सुना है ना, तो आर्यों का नेतृत्व भगवान इंद्र करते थे। अब ये कुतिया जो थी इसका नाम सरमा था, और सरमा के ही जो पुत्र हुए उन्हें सारमेय कहा गया। तो ऐसे है। इसके बाद मृगारी, मृगारी भी कहा जाता है क्योंकि हिरण के शावकों को ये जो जंगली कुत्ते होते हैं वो चीर फाड़ देते हैं, सोनहा कहते हैं। इसके अलावा गंडक कहा जाता है, गंडक कौवे को भी कहा जाता है। गंडक का मतलब जो निकृष्ट पशु या जीव होते हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। कुत्ता एक बहुत ही बेजोड़ जीव है, लेकिन ये शास्त्रीय मान्यता, जो पौराणिक मान्यता है, उसमें कुत्ते को निकृष्ट माना गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हमारे जो पुराण है ना, वो वेदों की जो अवधारणा है उससे काफ़ी विपरीत है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें जो है वो विरोधाभास दिखाई देता है। कुछ जगहों पे समानता है तो कुछ जगहों पे विरोधाभास है। वेदों में कुत्तों की कहीं भी निंदा नहीं की गई, बल्कि कुत्ते को साथ साथ लेकर चलने का। पुराणों में कहीं पर इनकी तारीफ की गई है, कहीं पर निंदा की गई है। महाभारत में आप देखते हैं कि युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक कुत्ता पहुँच जाता है, बाकी लोग नहीं जा पाते, लेकिन युधिष्ठिर और कुत्ता जीवित स्वर्ग में पहुँचते हैं। और कई जगहों पर बुराई भी की गई है। इसके बाद आप आगे देखें इसमें कोयल, ठीक है, तो कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ आप देख रहे हैं पिक, कोकिल, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूती, काकपाली। काकपाली क्यों? क्योंकि इसका पालन पोषण कौआ करता है। कोयल की जो माता होती है ना, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो कौए का घोंसला खोजती है। और इनका सीजन जो ब्रीडिंग का सीजन होता है वो एक ही होता है लगभग, मतलब उसी समय कौए भी अंडे देती है और कोयल भी। तो ये कौवे के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है, और कौवे की जो पत्नी होती है वो ये समझती है कि ये उसी के अंडे हैं, और वो उन्हें भी सेती है। बच्चे निकलते हैं तो जब छोटे रहते हैं तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, कौवा भी काला, कोयल भी काली, और जब बड़ा होता है तब तो उड़ी जाता है। तो इस हिसाब से काकपाली यानी कौवे इनका पालन पोषण करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें निहायत ही स्वार्थी जीव है कोयल। अब यहाँ आप देखें, और एक चीज़ और, कि जो कौवे के अंडे होते हैं उनको कोयल चोंच से ठेल कर घोंसले से बाहर भी फेंक देती है, मतलब उसके अंडों को तबाह करने का भी काम करती है ताकि अपने अंडों को रख सके। इसी क्रम में आप आगे चले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कृतज्ञ का पर्यायवाची, तो आभारी होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं उपकृत होता है, अनुग्रहित होता है, कृतार्थ होता है, ऋणी होता है, ये सारे हैं, एहसानमंद भी होगा। कृष्ण के पर्यायवाची में कौन कौन सा आएगा? तो कृष्ण के पर्यायवाची में श्याम, मनोहर, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, वासुदेव, वनमाली, बहुत सारे हैं। यहाँ तो कुछ ही दिए हैं और उतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। कुछ को देख लीजिए, जैसे वल्लभ कहा जाता है, गोपीनाथ कहा जाता है, दामोदर कहा जाता है, जिसकी कि पेट पर, मतलब उदर पर माता ने रस्सी बांध दी हो।
तो मक्खन चुरा रहे थे यशोदा मैया ने ओखली में इनको बांध दिया था। इसके बाद आप देख रहे हैं गोपीनाथ के बाद गोविंद है, मुरारी है, मुकुंद है, अच्युति ने कहा जाता है, क्षीरशाही कहा जाता है, अनंतजीत कहा जाता है, अर्जुन सखा कहा जाता है, कंसारी कहा जाता है, कमल नयन और किशन जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, केशव गिरधारी, कुंज बिहारी, गोपेश घनश्याम, चक्रधर, चक्रपाणी, जदुबीर, दामोदर, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, नंदनंदन, पीताम्बर, मधुकैटभारी, मधुरेश, मधुसूदन, यदुनंदन, यदुनाथ, रास बिहारी और वाष्णेय भी कहते हैं। इसके अलावा शंखधर कहते हैं और शंखधर के साथ और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन्हें भी आप देखिए। तो जैसे सोमेश्वर, ये भी शब्द है। नीचे कुछ और शब्दों के पर्यायवाची हैं। तो कृपा का पर्यायवाची क्या होगा? अनुग्रह होगा, दया होगा, करुणा होगा, अनुकंपा होगा। कंदरा का गुफा, गुहा, खोह, गह्वर, ये सब हो सकता है। कंगाल का निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब, ये सब है। कंचन का सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक। कपकपी का प्रकंपन, थरथरी, थरथराहट, ये सब है। और अब इधर आ जाइए, बाईं तरफ हमने कुछ छोड़ दिया था, उसको देख लेते हैं। तो हमने कल्प वृक्ष तक देखा था और कल्प वृक्ष के साथ आप देख रहे हैं कंठ का यहाँ नीचे, ठीक है, ये ग्रीवा, शिरोधरा, ये भी देख लिया था। कर का हम जानते ही हैं, कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये हाथ का पर्यायवाची है, हस्त, हस्त भी कहा जाता है हाथ को। उसके अलावा बांह कहते हैं, पाणी कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब कर का देखिए आप, कर के यहाँ समानार्थी या जो समान देखने वाले समदर्शी शब्द होते हैं उस तरह से दिया हुआ है। तो कर जो दोनों शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, अनेकार्थी ही नहीं कह सकते। देखिए कर का मतलब वो टैक्स वाला हो गया, तो शुल्क, महसूल, मालगुजारी, ये सब है। कल्याण का क्या होगा? तो कल्याण का पर्यायवाची उपकार, भला, शिव, शुभ, श्रेय, श्रेय भी होता है, हित, मंगल, भलाई, क्षेम, वंचना, ये सब है। कला को आप देखें तो कर्तव्य, करिश्मा, शिल्प, कौशल, हुनर, विद्या, फन। कन्या का क्या होगा? कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, और यहाँ आप देख रहे हैं किशोरी, बाला, बालिका। कबूतर का कपोत, हारित, रक्तलोचन, पारावृत, परेवा। और कटाक्ष का क्या होगा? व्यंग, आक्षेप, छीटाकशी और सब। इसके बाद आप कच्चे का देख रहे हैं तो अनपका, अपक्व, अपरिपुष्ट, अप्रौढ़, कालपूर्व। कपड़े का आपने पीछे देख ही लिया था, वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ आप देख रहे हैं परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। कथन का क्या होगा? बयान, कथन, मत, बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार। कटु का कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा, कर्कश, रूखा, रुक्ष, परुष, कड़ा, कठोर, ये सब। इसके बाद कब्ज का देखें तो कॉन्स्टिपेशन यानी मलबंध, मलबद्धता, मलावरोध, बद्ध कोष्ठ, इसके बाद कोष्ठबद्धता, ये सारे हैं। कामदेव का आप देख रहे हैं मदन, मनोभव, पंचशर, मार भी कहा जाता है, स्मर कहा जाता है, मनसिज कहा जाता है। मन्मथ आपने पीछे देखा ना, मन्मथ हाले आम का पर्यायवाची था, वैसे ही मन्मथ कामदेव को कहते हैं। मीन केतु इन्हें कहा जाता है, कंदर्प कहते हैं, अनंग कहते हैं, रतिपति, मनोज और मयन जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ख से देख लीजिए, खल का क्या होगा? दुष्ट, अधम, पामर, नीच, शठ, धूर्त, दुर्जन, नृशंस, कुटिल। खग का विहंग, विहग, पक्षी, पंक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु, शकुंत। खंभे का क्या हो जाएगा? खम्भ, स्तंभ, स्तूप। खबर का क्या होगा? संदेशा होगा, सूचना होगा, समाचार, जानकारी, हालचाल, वृतांत। खंड का क्या हो जाएगा? तो अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। खेती का, तो खेती में कृषि इसको कहा जाता है, किसानी कहते हैं, कृषि कार्य कहते हैं, काश्तकारी, हालांकि खेती नहीं होती है, खेती से संबंधित है, तो ये भी है, और कृषि कर्म। इसके बाद अब ग से देखिए तो गणेश जी का पर्यायवाची बहुत सारा है, उसमें विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरम्ब, द्वयमातुर, गजबदन, गिरजानंदन, गिरजा जो है माता पार्वती को कहा जाता है, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, गौरीसुत, मोदकप्रिय, मूषकवाहन, महाकाय, भवानीनंदन, विघ्ननाशक, ये सारे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ गंगा का, तो भागीरथी इन्हें कहा जाता है, भागीरथ के सौजन्य से ये धरती पर उतरती है इसलिए भागीरथी। जाह्नवी इन्हें कहा जाता है, और सुरसरी कहा जाता है, देवसरी कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है, सुरधुनी कहा जाता है, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा और देवपगा, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का, वहाँ से भागीरथी का जन्म होता है, और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती हैं देवप्रयाग में, तो गंगा की मुख्य शाखा बनती है, ठीक। तो ये पर्यायवाची उसी आधार पर लिया गया है। इसके बाद आप देखें गज, तो हस्ती, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, गयंद बोलते हैं, असल में गजेंद्र जो है वो तत्सम शब्द है और गयंद जो है वो उसी का तत्व है। तो मातंग, मतंग, वितुंड भी कहते हैं, जिसका कि तुंड जो आगे का सूड है वो विकृत हो यानी मुड़ा हुआ हो। कुंभी कहा जाता है। गण किसका है? तो समूह का होता है, गणतंत्र आप देखते हैं ना, तो समूह का शासन यानी समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ, वृंद, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। गर्भाशय का आप देख रहे हैं, गर्भ, पेट, बच्चेदानी और उधर जठर, ये सब है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं गांव का, तो ग्राम, मौजा, पुरवा, बस्ती, देहात, ये सब होता है। गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? निर्धन हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, दीन, कंगाल और दरिद्र, तो आप जानते ही हैं। गुड़ का देख लीजिए, जटिल, कठिन, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संलिष्ट कहा जाता है। जो शब्द थोड़े से अलग हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो इसमें संलिष्ट है, गंभीर है, विकट है, ये सब है। अच्छा, गृह का आप देखें यहाँ पे है, तो घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, आलय, निलय, गेहशाला, ओक, आशियाना, आयनशाला, मकान, आवास, ये सब।
गरुड़ का क्या हो जाएगा? तो गरुड़ के पर्यायवाची में खगेश पक्षियों का राजा, पन्नगारी कहा जाता है, पन्नक जो है वो सर्प को कहते हैं और ये उनका अरी है, मतलब सांपों को मारने वाले। उर्गारी कहा जाता है, उरक जो है ये सर्प को कहा जाता है, उनके अरी यानी दुश्मन। और हरियान कहा जाता है, हरियान क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के वाहन है। और वैनतेय कहा जाता है, यहाँ वातनेय लिखा हुआ है, वो वैनतेय होगा। इनकी माता का नाम विनता था, ठीक है, विनता और कद्रु ये दोनों आपस में बहनें थीं और बाद में एक ही व्यक्ति से इनका विवाह हो जाता है और आपस में ये एक दूसरे की सौते बन जाती, यानी सौतन बन जाती। तो जो विनता के पुत्र थे वो वैनतेय यानी गरुड़ कहलाए और बाकी कद्रु के ढेर सारे पुत्र थे जो कि नाग थे यानी सर्प थे, इसीलिए सर्प में और गरुड़ में दुश्मनी रहती है। इसके बाद गधा को आप देख रहे हैं, तो गधे को बड़ा ही निकृष्ट जीव माना जाता है लेकिन निहायत ही सीधा और मेहनती होता है। तो खर गर्दभ वैशाख नंदन रासभ धूसर और बेसर जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। चौसे देख लीजिए, चंद्रमा निशानाथ इंदु शशि शशांक सुधाकर राकापति हिमांशु निशिपति हिमकर। इसके बाद निधि सुधाकर निशाकर विभाकर सुधांशु विधु राकेश कलानिधि मयंक अमृत निधान छपाकर द्विजराज तारकेश्वर मृगलांछन कलानाथ चांद सोम रजनीपति मृगांक महताब ये सब है। चमक का आप देख रहे हैं, प्रभा ज्योति द्युति कांति दीप्ति शोभा छवि आभा प्रकाश। चक्षु के पर्यायवाची में आंख नयन नेत्र लोचन अक्षी दृघ ये सब है। चतुर का आप देख रहे हैं, विज्ञ दक्ष प्रवीण निपुण पटु नागर सयाना होशियार निष्णात। चोर के पर्यायवाची में दस्यु रजनीचर खनक मोशक कभिज तस्कर और कुंभिल कहा जाता है। चंदन में आप देखें मलय दिव्यगंध हरिगंध दारुसार मलयज। चांदी के पर्यायवाची में रजत रुपया रौप्य जात रूप चंद्रहास रूपक रुक्म नौद जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। चाटुकारिता में खुशामत चापलूसी मिथ्या प्रशंसा चिरौरी चमचागिरी। चोटी का आप देख रहे हैं, शीश सानु श्रृंग शिखर शिरोबिंदु तुंग परिकोटी अमृतद्रव ये चांदनी का है असल में और नीचे आप बिजली का देख रहे हैं। तो चांदनी को कहा जाता है अमृतद्रव, उजियारी कहा जाता है, कलानिधि कहा जाता है, चंद्र मरीची कहा जाता है और हिमकर कहा जाता है। चपला यानी बिजली, तो बिजली इसका पर्यायवाची है, चंचला दामिनी और तड़ित। इसके अलावा मेघ पुष्प भी बोलते हैं। छह से देख लीजिए, छलांग का क्या होगा? उछाल फांद चौकड़ी उछल कूद। छो का ममता स्नेह प्यार मोहब्बत दुलार। छाती का उर वक्ष वक्ष स्थल वक्ष प्रांत और सीना। ज से देख लीजिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक क्रम से ज वाला, तो ज से जल है, जल का पानी वारी नीर सलिल अंबु तोय पय जीवन भी कहा जाता है, आप भी कहा जाता है। उदक अमृत धनसर सारंग सारंग पानी को भी कहते हैं। वन विंश शंबर सर्वमुख मेघ पुष्प और अंबु अंब जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जंग का आप देखें, रण समर युद्ध लड़ाई संग्राम ये सारे शब्द हैं। जंगल के पर्यायवाची आपने शुरुआत में ही देख लिए थे तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जानकी यानी माता सीता, तो सीता इनका मूल नाम था, बाकी वैदेही विदेहराज जनक की पुत्री थी तो इसलिए वैदेही। जनकसुता जनकतनया जनकात्मजा मिथिलेश कुमारी ये सारे हैं। और आप देख रहे हैं रमा भी कहा जाता है। अच्छा, जमुना, जमुना का यमुना हो जाएगा। हालांकि जमुना और यमुना भौगोलिक तौर पे भिन्न चीज़ें हैं लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग तद्भव तत्सम वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो जमुना, अब यमुना इनका पर्यायवाची है। सूर्य तनया इन्हें कहा जाता है, रवि तनया रविनंदिनी सूर्यसुता कालिंदी। सूर्य तनया मतलब ये सूर्यपुत्री है ना यमुना, और इनके भाई जो थे वो यमराज थे जिन्हें की काल कहा जाता है, तो कालिंदी यानी काल की बहन। अर्गजा कहा जाता है, अर्ग जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, जा मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री। और तरणिजा कहा जाता है, तरणी तनुजा भी कहा जाता है। तरणी जो शब्द है ना वो सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची। कृष्णा कहा जाता है क्योंकि इनका रंग सांवला था। भानुजा कहते हैं यानी भानु की पुत्री। तरणी तनुजा और सूर्यजा इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं जीभ, तो जिह्वा रसना रसज्ञा चंचला। जगत का क्या होगा? विश्व संसार भवलोक या भव जग लोक दुनिया भुवन मृत्युलोक संस्कृति ये सब है। अब आइए झरने की ओर, तो प्रपात निर्जन निर्झर स्रोत उत्स प्रस्रवण जलप्रपात आबसार अम्बुपात सोता। झंडे का क्या होगा? ध्वजा पताका केतु निशान केतन ध्वज और वैजयंती। ट से देखिए, तो टीका व्याख्या, यहाँ टीका का क्या होगा? व्याख्या भाष्य वृत्ति भाषांतरण विवृत्ति। टीस का कसक शूल पीड़ा कष्ट दर्द हुक। और टेक का आप देखें, आश्रय सहारा भरोसा अवलंब अवस्थम्भ आधार। टेढ़े का तिरछा कुटिल वक्र बलदार टेढ़ा मेढ़ा। अब ठ से देखते हैं, तो ठ से क्या होगा? यहाँ ठग है, तो वंचक प्रताड़क अड़ीमार प्रवंचक। यहाँ आप देखें जालसाज। ठगी का क्या होगा? प्रतारणा वंचना माया जाल फरेब जालसाजी। ठिठोली का महा ये मजाक है असल में। फब्दी व्यंग व्यंगोक्ति और उपहास। ठीक का क्या होगा? तो आप जानते ही हैं इसमें कुछ नहीं जानते हैं, जान लीजिए मुनासिब और समीचीन। समीचीन जो है ये ठीक को ही कहा जाता है, जैसे कोई चीज़ ठीक है यानी कोई चीज़ समीचीन है। ठौर का क्या होगा? स्थान ठिकाना स्थल जगह। अब ड से देख लीजिए, तो डर का भय खौफ त्रास भीति आतंक विभीषा। डरावने का क्या हो जाएगा? भयंकर भयानक खौफनाक भयावह दहशतनाक हौलनाक भी कहा जाता है।
और डायरी का दैनंदिनी होता है, रोज नामचा भी होता है, दैनिकी भी होता है। डील डॉल का क्या होगा? रूप, आकृति, बनावट, रचना, गढ़न, गठन। डोरी का जेवरी होता है, इसके अलावा सुतली, तनी, रस्सी, डोर, ये सब होता है। डावाडोल का ढुलमुल, अस्थिर, अदृढ़, ढीला, विचलित, असंतुलित। डाकू का दस्यु, लुटेरा, लुंठक और बटमार, डकैत। साहसिक भी कहते हैं क्योंकि डकैती डालने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। अब ढ को देख लीजिए, ढ से ढक्कन और ढ से ढंग भी होता है, तो ढक्कन को ढंग से बंद करो। अब ढंग का पर्यायवाची देखिए, रीति, तरीका, विधि, शैली, उपाय, तदबीर भी कहते हैं, युक्ति भी कहते हैं। अभी पीछे आपने युक्ति का पर्यायवाची देखा है ना, तो वही चीज है। बाकी पद्धति, प्रणाली और प्रतिधि भी कहा जाता है। अब ढांढस का देख लीजिए, ढांढस आप देते हैं किसको? जो परेशान होता है, मन से अशांत होता है, तो इसको कहते हैं आश्वासन। इसके अलावा तसल्ली, दिलासा, धीरज, सांत्वना और इत्मीनान। इसके बाद आप देखें इसमें ढिठाई, तो धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अविनय, अविनय दो बार दे दिया है, प्रगल्भता, ये सारे शब्द हैं। ढेर का आप देखें तो जमाव, अंबार, राशि और क्या होगा, जमावड़ा हो सकता है, समूह हो सकता है। ढोंग का आपने पीछे देख ही लिया था, उसमें छल और छिपाव को जोड़ लीजिएगा। अच्छा, ढोंगी का क्या होगा? बगुला भगत, ये उपमा होती है। बगुला भगत मतलब आपने बगुले को देखा, एक टांग पे पानी में खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि ध्यान लगाए महात्मा है, और जैसे ही मछली दिखी सीधा आप पेट में जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो चालबाजी करता है, ढोंग करता है कि हम शांत बैठे हैं और एकदम से आक्रमण कर देता है, तो ऐसा धोखेबाज। रंगा सियार भी कहते हैं, रंगे सियार की कहानी आपने सुनी है, नील के हौज में गिर जाता है फिर रंग का फायदा उठाता है। कपटी, छली और पाखंडी तो कहा ही जाता है। इसके बाद ढीठ, तो धृष्ट, गुस्ताख, बेशर्म, प्रगल्भ, अविनीत, उद्धत, इस तरह के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उद्धत है ये, त से देखिए, तो त से तलवार, और तलवार के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। असी कहा जाता है, कृपाण कहा जाता है, खड्ग कहते हैं। चंद्रहास कोई तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि एक तलवार का नाम है, और ये रावण की तलवार थी, भगवान शिव ने रावण को प्रदान की थी, उसका नाम था चंद्रहास। करवाल कहा जाता है, खड़क कहते हैं और शमशीर भी कहते हैं। तत्पर का क्या होगा? तैयार होगा, उद्यत होगा। ध्यान दीजिए, उद्धत मतलब होता है ढीठ, उजड्ढ, और उद्यत मतलब होता है तैयार, मुस्तैद, कटिबद्ध, सन्नद्ध, ये सारे शब्द जो हैं ये तत्पर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तरुणी का क्या होगा? तो तरुण मतलब युवक होता है, तरुणी मतलब युवती होती है, मनोज्ञा भी होता है, सुंदरी, अपनी जवानी में सभी सुंदर होते हैं, तो सुंदरी भी, यौवनवती, नवयुवती, प्रमदा और रमणी भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखें तरुण का, तो वही चीज अब पुलिंग में चली आई है, तो युवा, युवक, जवान, नवयुवक, नौजवान, किशोर, वय प्राप्त। तालाब का क्या हो जाएगा? तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरणी, सरसी कहा जाता है, मतलब तालाब के लिए सारे शब्द हैं। पुष्कर कहते हैं, हृद भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, पोखर भी कहते हैं, छत भी कहते हैं और दह भी कहते हैं। अब दह का मतलब क्या? नदी को आपने देखा है, कहीं कहीं भंवर होता है, बड़ा गहरा स्थान होता है, वहाँ पे मल्लाह जो होते हैं ना, जाने से मना करते हैं, तो वो जगह जो है उसको दह कहा जाता है। आपने सुना होगा कालिया दह नाम की जगह थी यमुना में, और वहीं पर कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था और पूरे पानी में जहर फैला के रखा हुआ था, तो भगवान कृष्ण उसी में छलांग लगा देते हैं और वहां से फिर बॉल ले आते हैं अपनी वापस और उसे सबक सिखाकर लौटते हैं। ठीक है, तो दह का मतलब बड़े तालाब या बड़ी नदी के बीच में बना हुआ गहरा स्थान। इसके बाद आप देखें यहाँ पे, जैसे गर्त आप पढ़ते हैं ना, मेरियाना ट्रेंच है समुद्र में, ठीक वैसे ही नदी के अंदर ऐसे दह होते हैं। तादात्म्य का क्या होगा? एकात्मक होगा, सारूप्य होगा, तद्रूपता होगा, अनन्यता होगा, यहाँ आप देख रहे हैं अभिन्नता होगा, एकरूपता होगा और एकान्विता होगा। इसके बाद आप तम का देख रहे हैं, तो तिमिर, अंधकार, ध्वांत कहते हैं, अंधेरे को ही ध्वांत कहा जाता है, और छाया भी कहते हैं, तमिश्र भी कहते हैं, तमस भी कहते हैं, और अंधेरा तो कहते ही। तारतम्य का क्या होगा? सिलसिला, क्रम, परंपरा, ये सब चलेगा। अब थ का देख लीजिए, तो थकान का थकावट, थकन, क्लांति, श्रांति, ये सब होता है। था का सीमा, हद, छोर, सिरा, अंत, ये सारे पर्यायवाची। थोथा का क्या होगा? खाली, ठीक है, खाली चीज को थोथा कहा जाता है। पोला भी कहते हैं, खाली भी कहते हैं, छूछा भी कहते हैं। चपेटा का थपेड़ा, थप्पड़, यहाँ आप देखें झापड़, चाटा, धौल, ये सब मतलब कुल मिलाकर चोट मारना। और थल का क्या होगा? तो थल पृथ्वी का पर्यायवाची है, बाकी पृथ्वी के जितने पर्यायवाची हैं सबको इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा का किंचित, परिमित, परिमित मतलब सीमित, अल्प, रंच मात्र, इस तरह के शब्द। द का देख लीजिए, दंग यानी चकित, विस्मित, हक्का बक्का, हैरान, आश्चर्यचकित, हतप्रभ। दंगे का क्या होगा? उत्पाद, उपद्रव, झगड़ा, उधम, फसाद। दंड का हर्जाना, जुर्माना, सजा, अर्थदंड। दक्ष, होशियार, यहाँ आप देखें दक्ष का क्या होगा? तो होशियार, चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, पारंगत, निष्णात। दुस्तर का देख लीजिए, तो अगम्य, विकट, कठिन, औघट, औघट जो शब्द है ये भी कठिन के लिए ही इस्तेमाल होता है। दुबले के लिए क्या होगा? तो कृश शब्द का इस्तेमाल होता है, बाकी निर्बल, तन्वी, तन्वी मतलब दुबली पतली महिला, कृशकाय, कमजोर, छिड़, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। दुखी का आप जानते हैं, व्यथित, आर्द, संतत, संतत नहीं होता है, संतरस्त होता है, पीड़ित। दुर्गा के पर्यायवाची में जो बिना दुर्गा वाले हैं, मतलब दुर्गा शब्द रहेगा तब तो आप पहचान ही लेंगे, बिना दुर्गा वाले हैं उनको देख लीजिएगा, जैसे कि चंडिका है, सिंहवाहिनी है, कालिका है, और बाकी कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, चंडी, भवानी, शक्ति, दुर्गे, इस तरह के शब्द हैं। बाकी और भी हैं, बहुत सारे नाम हैं दुर्गा के। और दबाव का आप देख रहे हैं, बल, प्रयोग, जोर, दमन, जबरदस्ती, इस तरह के शब्द हैं। दमन का क्या हो जाएगा? माफ कीजिए, दमक का।
कहते हैं ना रूप दमक आया, तो दमक का मतलब होता है चमक, आभा दीप्ति कांति द्युति जगमगाहट। दमन का क्या होगा, तो दमन मतलब होता है अवरुद्ध करना, यानी अवरोध निग्रह होता है, वश होता है, नियंत्रण और रोग को भी हम लोग दमन कहते हैं। दया का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो करुणा ध्यान दिया है, करुणा आप जाने, और उसके अलावा अनुकंपा और रहम तरस, इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। दयामय का कृपालु दयालु कृपानिधि मेहरबान दयावान, ये सब है। अच्छा, इसके बाद दयाहीन का देख लीजिए, तो दयाहीन का बेरहम हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, बेदर्द हो जाएगा, करुणाहीन, हृदयहीन, पाषाण हृदय, संग दिल, कठोर हृदय, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। यहाँ दुर्गा जी की पर्यायवाची में जहाँ जहाँ दुर्ग था उसे तो हमने देख लिया, दुर्गम नाम के दैत्य का संहार करने की वजह से इन्हें दुर्गा कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा शांभवी भी कहते हैं। शांभवी जो है ये पार्वती जी का पर्यायवाची, दोनों में अंतर। अब आगे देखें तो दरार, कटाओ चीर फटन फटाओ कटान भ्रंश भी कहा जाता है दरार को। इसके बाद यहाँ दरवाजे का आप देख रहे हैं, किवाड़ पल्ला कपाट द्वार। और दर्जे का देख लीजिए, तो दर्जा कहते हैं कि हमें ये दर्जा दिया गया, यानी पदवी पद ओहदा मर्तबा रुतबा, इस तरह के शब्द। दर्प का क्या होगा, अहंकार दंभ घमंड गर्व अभिमान अकड़ दर्प हठ अनम्य। दर्द का क्या हो जाएगा, व्यथा पीड़ा यातना यंत्रणा तकलीफ। दर्शन का साक्षात्कार मुलाकात भेंट आमना सामना। और दल का क्या हो जाएगा, समूह गिरोह गुट संघ जूथ जत्था दस्ता टुकड़ी। दलने का क्या होगा, दलना मतलब पीसना, कहते हैं ना छाती पर मूंग दल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी छाती पर चक्की रखकर कोई मूंग दलने का काम करे, यानी कड़ी चीज को दल रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा, यानी बहुत तकलीफ देना, तो वो मुहावरा हो गया, मुहावरे हम लोग अलग से देखेंगे। अब यहाँ दलने का मतलब वही होता है, पीसना या किसी चीज को मसलना या मोड़ना। इसके बाद है दाग, तो दाग का क्या होगा, कलंक धब्बा लांछन दोष ऐब दादा का पितामह आजा बाबा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ आप देखें दिल का क्या होगा, हृदय कलेजा जिगर उर जिगरा चित्त जी मन अंतःकरण। दुर्जन का क्या होगा, तो पिशुन कहा जाता है, पिशुन जो है वो कुत्ते के लिए भी शब्द इस्तेमाल होता है और कौवे के लिए भी, मतलब निकृष्ट से तात्पर्य है। बाकी यहाँ दुर्जन में आप खल असज्जन असंत धूर्त और दुष्ट जैसे जो शब्द हैं वो देख रहे हैं। दुर्बोध का क्या हो जाएगा, कठिन क्लिष्ट दुरू हो सकता है, जटिल हो सकता है, गूढ़ हो सकता है। दुर्लभ का क्या हो जाएगा, अप्राप्त दुष्प्राप्य अलभ्य नायाब विरल। दुविधा का धर्म संकट उहापोह कशमकश आगा पीछा असमंजस। दूध का क्या होगा, छीर पय गोरश पीयूष दुग्ध। दृढ़ का हो जाएगा तगड़ा अटूट पुष्ट मजबूत पक्का। और देव का तो आपने देखा ही था पीछे, यहाँ भी देख लीजिए, देव अमर सुर विबुध आदित्य निर्जर गीरवाण, इस तरह के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। गीरवाण भारती किसको कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है, जो देव भाषा है। इसके बाद ध से देख लीजिए, तो धंधा इसका क्या होगा, व्यापार कामकाज कारोबार रोजगार व्यवसाय उद्यम। धक्के का क्या हो जाएगा, भिड़ंत टक्कर आघात झोंका लंघट। लंघट नहीं है असल में, ये संघट है, ठीक है। और रेला कहा जाता है, रेला का मतलब भी धक्का होता है, कहते हैं कि पानी का रेला आ रहा है या भीड़ का रेला आ रहा है। धनंजय या अर्जुन का पर्यायवाची है, वैसे धनंजय आग को भी कहा जाता है। बाकी पार्थ कौंतेय गुड़ाकेश गांडीवधारी किरीट श्वेत, जो कि सफेद रंग का मुकुट धारण करे। और वाहना विभत्स विजयी सव्यसाची, सव्यसाची का मतलब दोनों हाथों से समान रूप से निपुण। और धन का क्या होगा, तो द्रव्य दौलत माया रुपया पैसा संपदा और माल, बहुत तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। धनवान का क्या होगा, तो धनी धन्ना सेठ टकैत भी कहा जाता है, टकैत मतलब जो टकों का स्वामी हो, टका मतलब रुपये का एक प्रकार, और मालदार भी कहते हैं, पैसे वाला भी कहते हैं। अच्छा, धनुष का क्या हो जाएगा, धनुष के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो कमान धनुष शरचाप शरासन, इसके अलावा पिनाक कहते हैं, पिनाक जो है वो भगवान शिव का धनुष था। और कोदंड कहते हैं, कारमुक कहते हैं, धनुहा कहते हैं, धनुही कहते हैं, विशिखासन कहते हैं, शरायुध कहते हैं, शरासन कहते हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। धनुर्धर का देखें, तो कमनैत कहा जाता है, धनवी कहा जाता है, निशंगी कहा जाता है, तीरंदाज कहते हैं, धनुर्धारी कहते हैं। धन्यवाद का क्या होगा, मेहरबानी शुक्रिया कृतज्ञता आभार धरोहर का थाती अमानत जमा। अब न से देखिए, न से निराला और न से नदी, तो नदी का पहले देखें, सरिता निर्झरिणी तरंगिणी पयस्विनी तरणी स्रोतस्विनी लहरी अपगा, लहरी जो है वो नदी को कहा जाता है, सरी तरणी तरणी, ठीक है। और तरंगवती निम्नगा लरमाला, लरमाला भी नदियों के ही पर्यायवाची है। कल्लोलिनी कहा जाता है क्योंकि इनका पानी उछलता कूदता रहता है, प्रवाह रहता है। तटिनी कहते हैं, कूलंकशा कहते हैं, सिंधुघामिनी कहते हैं क्योंकि जितनी भी बड़ी नदियां हैं अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं। और स्रोतस्विनी कहते हैं, शैवालिनी कहते हैं, वाहिनी और शैलजा भी कहा जाता है। शैलजा क्यों, शैलजा माता पार्वती का भी पर्यायवाची है क्योंकि वो हिमालय की पुत्री है और ये नदियां भी हिमालय की ही बेटियां हैं, इसीलिए गंगा जो है वो माता पार्वती की बहन है। इसके बाद आप देखें निराला, तो निराला का पर्यायवाची क्या होगा, अनोखा विलक्षण अद्भुत अनूठा बेजोड़ अप्रतिम अद्वितीय। अब आप समझ रहे होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला क्यों कहते थे, क्योंकि उन्होंने कविता का एक ऐसा फॉर्मेट ईजाद किया था जो कि उससे पहले कोई अजमाकर नहीं देखा हुआ था, मतलब अतुकांत कविता, तुकबंदी ना हो। अच्छा, इसके बाद निर्जीव, तो जीवहीन प्राणहीन मृत मुर्दा निष्प्राण, इस तरह के शब्द हैं। निर्णय का क्या हो जाएगा, तो निश्चय निष्कर्ष फैसला परिणाम, ये सब शब्द हैं। अच्छा, निर्दय का देखिए, दयाहीन निर्मम बेरहम बेदर्द निष्ठुर क्रूर। और निर्दोष का देखिए, निरपराध, ये नीचे देखिए,
ये वाला, ठीक है, निरपराध, दोष रहित, बेकसूर, बेगुनाह, अदोष, ये सारे शब्द। नर का क्या होगा? तो जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मत, यहाँ मत लिखा है ना, वो मरते हो जाएगा, यानी मरणशील, जिसकी की मृत्यु निश्चित है। और मनुज, लोग, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। यहाँ प और फ से देख लीजिए जरा, तो परिवार का क्या होगा? कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान, घराना, वंश, परिष्कार, यहाँ तक आप देख रहे थे, ये वाला। परिवार का क्या होगा? कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान, घराना और वंश। परिष्कार का सफाई, संशोधन, संस्कार, शुद्धि, परिमार्जन। परिष्कृत का शुद्ध, स्वच्छ, प्रांजल, साफ, परिमार्जित। परुष का कड़ा, कठोर, कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कर्कश। परेशान का उद्विग्न, क्षुब्ध, आकुल और बेजार। परोक्ष का अप्रत्यक्ष, ओझल, गुप्त, अगोचर और तिरोहित। पल का क्षण, लम्हा, सेकंड, अब ये सेकंड वगैरह नहीं आएगा लेकिन फिर भी अच्छा। दम, निमेश और अंश भी कहा जाता है, निमेश भी कहते हैं। इसके बाद आप देखें पर्याप्त, तो प्रचुर, काफी, बहुत, यथेष्ट, प्रभुत, विपुल, अति, अत्यंत जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ देखिए पल्लव के इतने सारे पर्यायवाची, किसले कहते हैं, पर्ण कहते हैं, पात, कोपल और पत्ती कहते हैं। पल्ले का क्या होगा? तो पल्ले का मतलब होता है छोर या टुकड़ा, दामन कहते हैं, आंचल भी कहते हैं। पवित्र का क्या हो जाएगा? पावन, पुनीत, साफ, विशुद्ध, पाक, शुचि, शुद्ध, स्वच्छ, ये सब है। अब फ से देख लीजिए, तो फरेब का छल, प्रताड़ना, धोखा, कपट, प्रवंचना, वंचना, छल, छिद्र, ठगी, ये सब। फायदे का मुनाफा, नफा, प्राप्ति, उपलब्धि, लाभ। फिर का पुनः, बहुरी, दोबारा। फुनगी का मंजरी होता है, अंकुर होता है, किसलय होता है, कली होता है, कोपल होता है। और फौरन का क्या हो जाएगा? जल्दी, शीघ्र, तत्क्षण, तुरंत, तत्काल, त्वरित, फौरन, शीघ्रता, हड़बड़ी, फुर्ती, ये सब है, त्वरा भी होता है। फूल का कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प, लतांत, मंजरी। मंजरी जो है वो कली होती है, पुष्प नहीं होता। पूप कहा जाता है, फूल तो कहते ही हैं, गुल भी कहते हैं। इसके बाद पश्चाताप का पछतावा, ग्लानी, अफसोस, अनुताप, संताप, अवसाद, खेद, शोक। और पशु का क्या हो जाएगा? जानवर, चौपाया, मवेशी। अब पशु मतलब सिर्फ चौपाया जानवर हुई आवश्यक नहीं है, तो चतुष्पाद, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद आगे देखें ब से, ठीक है, तो बंधन, बंधन का क्या होगा? कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा, रुकावट। बचपन का बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना। और बलराम का क्या हो जाएगा? बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलवीर, और बलवीर भी कहते हैं, हलायुध कहते हैं, रोहिणी कहते हैं, कि माता का नाम रोहिणी था। श्याम बंध कहते हैं, हली कहते हैं, रेवती रमण कहते हैं, रेवती इनकी पत्नी का नाम था, और मूसली कहते हैं, और इसके साथ साथ इनके, इन्हें राम भी कहते हैं। इनका मूल नाम राम ही था, बाद में इन्हें देखा गया कि बहुत बलशाली हैं तो इन्हें बलराम कहा गया। जैसे भगवान परशुराम हैं तो उन्हें भी पहले शुरुआत में राम नाम ही मिला था, बाद में जब परशु उनके पास आता है यानी फावड़ा, तो इनका नाम पड़ जाता है परशुराम। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ बलवान का, तो बली, जोरावर, ताकतवर, सबल, बलशाली, शक्तिशाली। बलवा का क्या होगा? दंगा, उपद्रव, मारकाट, खून खराबा। बगीचे का बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आरामगाह और आराम भी कहा जाता है। आराम जो शब्द है ना, ये बगीचे का पर्यायवाची। बंदर का क्या हो जाएगा? कपीश, वानर, कपी। इसके अलावा हरि भी कहा जाता है, हरि जो है वो भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची है और वानर का भी है। शाखा मृग, मरकट, कीश, लंगूर। बिजली का क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे हैं, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा कहते हैं, अश्विन कहते हैं, धनवल्ली, क्षणप्रभा, कांचनवल्ली, मेघपुष्प। और बलात्कार का शीलभंग, सतीत्वहरण, बलात् संभोग, शीलहरण, बलात्घात, बल प्रयोग, ये सब है। बीमारी का देख लीजिए जरा, रोग, मर्ज, व्याधि, बुढ़ापे का वृद्धावस्था, वृद्धत्व, जीर्णावस्था, जरा, वार्धक्य। बुद्धि का क्या हो जाएगा? प्रज्ञा, मेघा, मेधा है यह असल में, जेहन, समझ, अकल, मति, ये सब है। बुद्धू का देख लीजिए, तो मूर्ख, जड़, ना समझ, गोबर गणेश। और भोदू, मंदमति, बुद्धिहीन, बेअकल, नादान। उल्लू भी लोग बोल देते हैं, उपमा दे देते हैं, लेकिन उल्लू बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। तो इसमें कुल मिलाकर ये सब बुद्धू यानी मूर्ख के पर्यायवाची। इसके बाद बुनियाद का आप देख रहे हैं, नीव, आधार, जड़मूल। और बड़े का क्या होगा? बृहद, लंबा, लंबा चौड़ा, विराट। बेडौल का क्या हो जाएगा? तो कुरूप, भद्दा, बदसूरत, बदशकल, भौंडा, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बेदर्द का जरा देखिएगा, तो बेदर्द का निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, दयाहीन, अकरुण। बेसुद का क्या होगा? तो बेहोश, अचेत, मूर्छित, मतलब जिसे मूर्छा आ गई हो। संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। बेशुमार का क्या होगा? असंख्य, अनगिनत, अगणित। बोध का बुद्धि, विवेक, समझ, जानकारी, ज्ञान। और ब्रह्मा का क्या हो जाएगा? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंची। विधना, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन और हिरण्यगर्भ। इसी क्रम में अब जो भ से पर्यायवाची है उनको देख लेते हैं। तो भ से जो पर्यायवाची है उसमें पहले भंगिमा है। भंगिमा का मतलब होता है टेढ़ापन या वक्रता या कुटिलता भी होता है। भंगुर का मतलब नाशवान, नश्वर, जो कि टिकाऊ ना हो, आसानी से टूट जाए, भंग हो जाए, उसको कहते हैं भंगुर। तो भग्नशील, नाशवान, क्षणभंगुर भी कहते हैं, क्षणिक भी कहते हैं, अल्पजीवी और अचिर भी कहते हैं। इसके बाद भंडार का देखिए, तो गोदाम, मालखाना, संग्रहालय, संग्रहागार और संग्रहगार असल में, आगार भी कहते हैं, खान भी कहते हैं, संग्रह स्रोत और भंडार घर कहते हैं। भगिनी का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, दीदी हो जाएगा, सहोदरा और जीजी जैसे शब्द, बहिन, बांधवी और सहगर्मिनी। इसके बाद भर्त्सना का देख लीजिए, तो भर्त्सना का हो जाएगा कुत्सा, दुत्कार, झिड़की, डांट, डपट, फटकार, निंदा,
भले का क्या होगा? अच्छा, नेक, उत्तम, बढ़िया, सज्जन। भव्य का शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, आलिशान। और भांड का विदूषक, मस्खरा, जोकर। भाग का क्या हो जाएगा? अंश, अंग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा, अवयव। इसके बाद भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान का शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र, अक्षर शास्त्र, ये सारे हैं। भास्कर के पर्यायवाची में प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय, आभामय, प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, ये सारे शब्द आते हैं। इसके बाद भिक्षुक, भिकमंगा, भिखारी, याचक। भिड़ंत का क्या होगा? संघर्ष, टक्कर, संघात, मुठभेड़, संघट, समाघात, ठोकर। और भिन्न का पृथक, जुदा, अलग, विभिन्न, अभिन्न, विविध, ये सारे शब्द हैं। भीड़ का जमावड़ा, जनसंकुल, जमघट, जनसमूह, भीड़, भड़क्का भी बोलते हैं, भीड़ भड़क्का बोलते हैं, भीड़ भाड़ बोलते हैं। भुगतान का क्या हो जाएगा? भरपाई, चुकारती, बेबाकी, अदायगी। और भूमिका का मुखबंद, प्रस्तावना, आमुख, प्राकथन, पूर्व पीठिका, दो शब्द, लेख किए, ये सारे शब्द आते हैं इसमें। इसके बाद अब म से देख लीजिए, तो मंदिर का क्या होगा? देवालय, देवस्थान, देवगृह, ईशगृह, पूजा गृह, शिवालय, शिवाला। और मंगल का हो जाएगा हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी, परोपकार। मंजुल का चित्ताकर्षक, मनोरम, मनोहर, यहाँ आप देख रहे हैं मनोहर, लुभावन, मनहर। मंडित का विभूषित, सुशोभित, सुसज्जित, सज्जित, अलंकृत, अमलंकृत, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये अमलंकृत है, तो अलंकृत और अमलंकृत, ये दोनों शब्द ये मंडित के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मंदन, मंदन का क्या होगा? अद्रुत हो जाएगा, वेगहीन हो जाएगा, अशीघ्र और मंद और धीमा तो होता ही है। मक्कार का क्या होगा? तो धूर्त का जितना पर्यायवाची होता है वही मक्कार के लिए भी इस्तेमाल होगा, बाकी खोटा, चली, वंचक, छली, वंचक, प्रपंची, चालबाज, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। मक्खन का नवनीत होता है, लोनी होता है, माखन होता है, दधिसार भी कहा जाता है, दधि को मथ के निकाला जाता है। मधु का शहद हो जाएगा, वसंत ऋतु हो जाएगा, और इसके अलावा जो वसंत ऋतु होती है उसके लिए भी मधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शराब को भी मधु कहा जाता है। चैत्य मास जो है वो भी मधु का पर्यायवाची है। कुसुमासव, मकरंद, पुष्पासव, माक्षिक आसव, भ्रमराज, माक्षिक सुधा, ये सारे शब्द हैं। अच्छा, मान्य का क्या होगा? तो माननीय, पूजनीय, पूज्य, सम्माननीय, समादरणीय, गणमान्य, श्रद्धेय, कुलीन। माया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धोखा, छल, प्रतारण, प्रवंचक, अस्तित्वहीन, ये सब है। इसके बाद मार्मिक, हृदय विदारक, मर्मभेदी, मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी, मर्मांतक। मिलन का क्या होगा? संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेंट, समागम, ये सारे शब्द आते हैं। मित्र का मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, सुहृद, वयस्क, ये सारे शब्द। वयस्क का मतलब एक समान वय वाले, यानी एक समान आयु वाले। संगी होगा, इसके अलावा सपक्ष होगा, सहचर होगा, और सहृदय और साथी। इसके बाद मीठे का क्या होगा? सरस हो जाएगा, सुरस हो जाएगा, स्वाद हो, मिष्ट और मधुर हो जाएगा। मुकदमे का क्या हो जाएगा? तो मुकदमे के पर्यायवाची में अगर आप देखें तो इसमें दावा, मामला, केस, नालिश, ये सारे शब्द आते हैं। और इसी क्रम में मुक्त का क्या होगा? तो स्वच्छंद, स्वतंत्र, आज़ाद, खुला, छुट्टा, उन्मुक्त, इस तरह के शब्द हैं। इसी क्रम में और देख लीजिए, तो यहाँ पर मुख है, मुख का आप देख ही रहे थे कि मुंह होता है, आनन होता है, वदन होता है, मुखड़ा होता है और चेहरा होता है। मुक्त का आपने देख लिया था, मुख का देख लीजिए और मुख्य का देख लीजिए। तो मुख्य का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, प्रवर होता है, वरेण्य भी होता है और खास भी होता है। मुग्ध का तल्लीन, मोहित, आसक्त, लुब्ध, आकृष्ट और मूंगे का प्रवाल, विद्रुम, रक्तमणि और रक्तांग होता है। मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूढ़, अज्ञानी, जड़गंवार, निर्बुद्धि, अज्ञ, नासमझ और मदंधी भी कहा जाता है। इसके अलावा बेवकूफ कहते ही हैं, अबोध कहते हैं, जैसे कि कोई बोध न हो। महादेव का क्या होगा? शिव, शंभू, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, कपर्दी, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। और भी हैं, देखें आप, यहाँ यम का क्या हो जाएगा? तो यम के पर्यायवाची में सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, कीनाश, कृतांत और जीविनेश कहा जाता है। इसके अलावा जीवितेश भी कहते हैं, मृत्युपति कहते हैं, यमराज कहते हैं, यमुना भ्राता कहते हैं, दंडधर, श्राद्धदेव कहा जाता है, जीवितेश कहा जाता है, ठीक, और जीवनपति भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जीवनपति का जो शब्द है ना, ये अभी कन्फ्यूजन बन गई थी इस पर जब लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, तो लोग जो है जीवनपति का पर्याय पति को मान रहे थे, यानी जो हस्बैंड होता है उसको कह रहे थे। हस्बैंड या वाइफ जो है वो जीवन के मालिक कैसे हो सकते हैं? जीवन के मालिक तो यमराज या ईश्वर हैं, अगर ईश्वर होते तो जरूर इसमें चुन लिया जाता, लेकिन यमराज का विकल्प मौजूद था तो यमराज वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ जो आगे की चीज़ें हैं उसको देखते हैं, आयोग क्या मानता है और असली चीज़ें क्या हैं, दोनों में थोड़ा अंतर आ गया था। अच्छा, यमुना का देखिए ज़रा, तो यमुना का जमुना, कालंदी, अक्रजा और रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, इनका हमने देखा था पीछे, अक्रसुता, यमभगिनी, तो ये रिपीट हो रहा है एक बार। इसके बाद आप युद्ध भूमि का देख रहे हैं, तो युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, रणस्थल, युद्ध का मैदान। युवती का क्या हो जाएगा? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोढ़ा, यौवनवती, रमणी। युद्ध का क्या होगा? रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम। युक्ति का ढंग, तदबीर, उपाय, युक्ति, जुगत, तरीका, ये सारे हैं। युवावस्था का जवानी, तारुण्य, यौवन, तरुणाई, वही चीज़ है। योग्य का क्या हो जाएगा? योग्य का काबिल, कार्यक्षम, उपयुक्त, कुशल, सक्षम, दक्ष, निष्णात,
शम भी होता है। युक्त का संलग्न, संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, लगा हुआ। याचिका का क्या होगा? आवेदन पत्र, अभ्यर्थना, प्रार्थना पत्र। याचना का निवेदन, प्रार्थना, विनय, अर्जी, अर्ज, विनती। और यौगिक का क्या हो जाएगा? संयुक्त, मिश्र, संलिष्ट, संश्लिष्ट है असल में, और मिला हुआ या जुड़ा हुआ। र से देखें आप तो रंग का क्या होगा? दरिद्र, कंगाल, धनहीन, अकिंचन, निर्धन। रात का रैन, रजनी, निशा, निशीत, छपा, यामिनी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। और भी है, आप देखें इधर तो राजा का क्या हो जाएगा? नृप हो जाएगा, नृपति हो जाएगा, भूप हो जाएगा, महीप हो जाएगा, नरेश, नरपति, भूपति, राव, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, और महीपाल, भूमिपति, पृथ्वीपति, भूपाल, मही, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाल, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। राज्यपाल का क्या होगा? प्रांतपति होगा, गवर्नर होगा, सूबेदार होगा, राज्यपति होगा। रोष का क्या होगा? तो क्रोध, कोप, गुस्सा, अमर्ष, रिस। रुग्ण का व्याधिग्रस्त, रोगी, बीमार, रोगग्रस्त, अस्वस्थ। रुचि का दिलचस्पी, पसंद, अभिरुचि। रूप का आकार, शक्ल, बनावट, सूरत, आकृति। और रोजगार का क्या होगा? व्यवसाय, कारोबार और धंधा। इसके बाद अब ल का देखिए तो ल से लक्ष्मण का अगर आप देखें तो लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। लहर का क्या हो जाएगा? तो तरंग, हिलोर, लहरी, वीची, ऊर्मी, वेग, प्रवाह, इस तरह के शब्द हैं। लक्ष्मी का क्या होगा? श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता, चंचला, लोकमाता, विष्णुप्रिया, सिंधुजा। लापरवाह का क्या होगा? बेपरवाह, विमुख, बेफिक्र, चिंतामुक्त। लापरवाही का बेसुधी, बेफिक्री, बेखबरी। लाचार का आप देख ही चुके हैं। इसके बाद लक्ष्य का क्या होगा? ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल, गंतव्य। लाभ का प्राप्ति, मुनाफा, फायदा, नफा। लगातार का बराबर, अविराम, सदा, निरंतर, सर्वदा। लाल का क्या होगा? रक्ताब, सुर्ख, रक्तिम, अरुण, सूर्य, सुर्ख, लोहित। लग्न का, लग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो नत्थी, संयुक्त, संबद्ध, संलग्न। लालसा का क्या होगा? लोभ, अभिलाषा, लालच, लिप्सा, तृष्णा। और लघु का क्या होगा? थोड़ा, न्यून, हल्का, छोटा। लुप्त का होगा गुम, गायब, अदृश्य, अंतर्ध्यान, अप्रकट। लज्जा का होगा शर्म, हया, ब्रीड़ा, संकोच, लाज। और लोहा का क्या होगा? अयस हो जाएगा, सार हो जाएगा, फौलाद, अश्मसार और लौह भी कहा जाता है। बड़े श से यानी तालव्य श से देख लीजिए तो शस्त्र का होता है अस्त्र। अब देखिए अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग अलग होते हैं। एक हाथ में पकड़ के प्रहार किया जाता है, दूसरा फेंक कर प्रहार किया जाता है, तो दोनों का अंतर है, लेकिन फिलहाल मार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा हथियार, आयुध, ये सब है। शेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो शार्दूल, हरि कहा जाता है, केहरी कहा जाता है, चित्रक भी कहते हैं, मृगराज, वनराज और केसरी सिंह, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। शाप का क्या हो जाएगा? अवग्रह और दुर्वचन होता है, बद्दुआ भी कहा जाता है। शेषनाग का अहि होता है, मतलब अहिराज कहते हैं इन्हें, क्योंकि सांपों के राजा। उसके अलावा हालांकि सांपों का राजा तक्षक को भी माना गया है, लेकिन मूल रूप से जो श्रेष्ठ सांपों में माने गए हैं वो शेषनाग। और बाकी नाग, भुजंग, व्याल, उरंग, पन्नक, फणीश, तो ये सब नाग के पर्यायवाची, न कि शेषनाग के। शेषनाग को अनंत कहा जाता है। इसके बाद आप देखें शालीन, तो शालीन का सौम्य हो जाएगा, भद्र हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, सलज्ज हो जाएगा, नम्र, विनम्र, सुशील। शाश्वत का क्या हो जाएगा? तो शाश्वत का सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य, चिरंतन, और स्थाई दिया हुआ है नीचे, तो स्थाई भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गई है, शायद का पर्यायवाची देखिए, संभवतः, स्यात, कदाचित। और शैली का देखें तो प्रणाली, ढंग, विधि, रीति, परिपाटी, ये सब आएगा। शोध का अनुसंधान, खोज, गवेषणा। शोभा का सुंदरता, छटा, सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, मंजुलता और छवि। शिकार का आखेट, अहेर और मृगया होता है। शिकारी का आखेटक, लुब्धक, बहेलिया, अहेरी, व्यार्घ, ये सब है। शिखा का जूड़ा, चोटी, चुंडी, चुटिया। और शमशान का मरघट, मसान, दाह स्थल, कब्रगा, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। श्रमिक का मेहनतकश, मेहनतकश, मजदूर, कामगार, श्रमजीवी, कर्मकार, कामदार, बेलदार, ये जितने भी शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। शिक्षा का क्या हो जाएगा? तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, नसीहत, सीख, ज्ञान। और सिरा का धमनी, नस, नाड़ी, ये सब। श्रेष्ठ का मुख्य, प्रधान, उत्तम, सर्वोपरि, विशिष्ट, उत्कृष्ट, ये सब है। मूर्धन्य श को देखिए तो षड्यंत्र, षड्यंत्र का क्या होगा? साजिश, दुराभिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र, दुष्चक्र भी होता है। षंड मतलब हिजड़ा, जनखा, नपुंसक, नामर्द, क्लीव, इस तरह के शब्द। और अब स से देख लीजिए तो स से जो है इसमें ढेर सारे हैं, जैसे कि संकेत, तो संकेत का इशारा, सैन, इंगित हो जाएगा। संक्रामक का छुतहा, संस्पर्शज, सांसर्गिक। और संगम का हो जाएगा साथ, मेल, संग, संयोग, मिलाप, मिलन, समागम, सम्मिलित। इसके बाद संग्रह है तो संचय, संकलन, जमाव, इकट्ठा, एकत्र। संतप्त का क्या होगा? पीड़ित, व्यथित, दुखित, क्लेशित, वेदनाग्रस्त। संतान का औलाद, बाल बच्चे, संतति। संतोष का संतुष्टि, तृप्ति, तुष्टि, सब्र, स्तोष, इत्मीनान इत्यादि। संदिग्ध का क्या होगा? शंकास्पद हो जाएगा, संदेहजनक हो जाएगा, शंका, संशयान्वित। संध्या का निशारंभ, दिनावसान, दिवसावसान, और दिनांत, सायंकाल, प्रदोषकाल, सांझ, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। गोधूली भी कहा जाता है।
और आप देखें सन्यासी का क्या होगा, दंडी होगा, वैरागी होगा, विरत होगा, त्यागी और परिव्राजक भी हो सकता है। स्वांतना का क्या होगा, दिलासा, आश्वासन, ढाढ़स, इत्मीनान, तसल्ली, धीरज। सांसारिक का क्या होगा, संसारी, लोकपरक, ऐहिक, दुनियावी, लौकिक। सार का क्या हो जाएगा, तो रस, सत्य, निचोड़, सत्व, अभिप्राय। सारंग का आपका देखें सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव और मृग होगा। सारंग बहुत सारे जीवों को कहा जाता है। अच्छा, सारांश का क्या होगा, निचोड़, संक्षेप और सार होगा। सिंह का जो है वो शार्दूल, सिंह, केहरी, केशरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केशी, पुंडरीक और नखायुध कहा जाता है, जो कि इसके नाखूनों में ही जोर होता है और दांतों में। इसके अलावा वनहरी होता है, मृगारी, बाहुबली भी कहा जाता है और शेर, चित्रक और नाहर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंहासन का क्या हो जाएगा, राजगद्दी, तख्त, राजासन और सिफारिश का अभिस्ताव, संस्तुति और अनुशंसा। इसी क्रम में ह से देख लीजिए, तो ह यहाँ ह से हंस पहले दिया हुआ है और इसका मुक्त भुक होता है। इसके अलावा मराल होता है, सरस्वती वाहन होता है। और हसमुख का क्या होगा, जिंदा दिल, प्रसन्न वदन, प्रसन्नचित, प्रफुल्ल, खुशमिजाज। हवाला का अर्पण, समर्पण और हस्तांतरण, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। हाथी के लिए हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विपद, माफ कीजिए, द्विरद, ये जो द्विरद शब्द है ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, नाग भी कहा जाता है, दंती भी कहते हैं, कुंभी भी कहते हैं, सिंधुर कहते हैं, गजेंद्र, मतंग, व्याल, वितुंड, द्विप, गयंद और वारण जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सिंधुर क्यों कहते हैं, जैसे सैंधव कहते हैं घोड़े को, वैसे ही सिंधुर कहते हैं हाथी को। तो ये दोनों ही समुद्र से निकले थे। ऐरावत का नाम आपने सुना है, ऐरावत हाथी जो है वो समुद्र से बाहर आता है। और आप देखें हंसी, तो हंसी का क्या होगा, हास्य, स्मृति, मुस्कुराहट को कहा जाता है और मुस्कुराहट ही है, मुस्कान है। इसके अलावा विनोद है, दिल लगी है, मजाक है। हठ का क्या होगा, जित, टेक, अड़, दुराग्रह। हताश का मायूस, निराश, आशाहीन, आशा रहित। हथियाने का अधिकार, जमाना, दखल करना, दबाना, हड़पना, कब्जियाना, अधिग्रहण करना। हत्या का क्या होगा, खून, कत्ल, वध, जीवघात, ये सारे शब्द आते हैं। और हार का क्या हो जाएगा, तो मात, पराभव, पराजय, शिकस्त। और हित का क्या होगा, तो उपकार, भला, मंगल, कल्याण और भलाई। और भी कई हैं लेकिन इतने काम के हैं। अच्छा, अब इसके बाद हितैषी का जरा देखिए, तो हित चिंतक होगा, शुभकामी होगा, शुभ चिंतक होगा, मंगलाकांक्षी होगा, शुभेक्षु होगा, शुभेक्षु भी होता है मतलब शुभ की इच्छा करने वाला। हिम का क्या हो जाएगा, तुषार, निहार, बर्फ और तुहिन। हिमालय का जरा देख लीजिए, तो हिमपति होता है, नगराज होता है, शैलेंद्र होता है, नगपति भी होता है, हिमाद्री भी होता है, हिमांचल भी होता है और गिरिराज भी होता है। अब हिरण की ओर आइए, तो हिरण को भी सारंग बोलते हैं, बाकी हिरण, सुरभि और कुरंग तो कहा ही जाता है, चित्तल भी कहा जाता है और मृग और बारहसिंघा भी हिरण की ही वैरायटी में आता है, तो उसको भी आप डाल दीजिए। हनुमान जी का पर्यायवाची, पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतने, बजरांगी, बजरंगी, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीश, पवनपुत्र, अंजनी कुमार, केशरी नंदन, बजरंगबली, कपीश्वर और न जाने। और हाँ, गिरधारी भी कहा जाता है, गिरिधर या गिरधारी, असल में गिरि को धारण करने वाला ही शाब्दिक अर्थ है। तो संजीवनी बूटी को लाने के चक्कर में हनुमान जी जब धौलागिरी पर्वत पर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जो पर्वत है हिमालय का, वो पूरा शिखर बिंदु था, तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो औषधियाँ हैं वो सब की सब जगमगा रही हैं। और सुषेण वैद्य ने पहचान बताई थी कि चमकती हुई संजीवनी बूटी होगी, तो सारी औषधियाँ ही चमक रही थी। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आता है करें क्या, तो वो बुद्धि से काम लेते हैं, पूरा ही पहाड़ उखाड़ लेते हैं और पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उखाड़ कर वहाँ से चलते बनते हैं। वो द्रोण पर्वत को वहाँ से लेकर तोड़कर और हाथ में उठाकर उड़ान भर लेते हैं और सीधा दक्षिण में पहुँच जाते हैं समुद्र के किनारे। तो इसलिए क्योंकि गिरि को उन्होंने भी धारण किया था, तो इसलिए उन्हें गिरिधर कहा जाता है। आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो उसमें है जय गिरिधर, जय जय सुख सागर, ठीक है। तो हनुमान जी के लिए भी गिरधर शब्द का इस्तेमाल होता है और गिरिधर शब्द का इस्तेमाल भगवान कृष्ण के लिए भी होता है। क्यों होता है आप जानते हैं, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण कर लिया था। तो इस तरीके से, अच्छा, इसके बाद हरि का देख लीजिए, तो बंदर, इंद्र, विष्णु, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति और चंद्र सिंह और अच्युत जो है ये भी हरि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मूल रूप से ये भगवान विष्णु का है, बाकी बंदर इत्यादि का भी पर्यायवाची। अच्छा, हे का क्या होगा, तुच्छ, अनादरणीय, घटिया, तिरस्कारपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, नाचीज, नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है और नगण्य, गर्हित, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद है हर्ष, तो खुशी, प्रसन्नता, आनंद, आमोद, आह्लाद, ये सारे शब्द हैं। और ह्रास का क्या हो जाएगा, तो क्षरण, क्षय, घटाव, गिरावट, कमी, न्यूनता, क्षति, हानि और हर्षित का आह्लादपूर्ण, प्रफुल्ल, प्रमुदित, प्रसन्न, खुश। तो यहाँ तक आप खुश हो जाइए, पर्यायवाची हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो अगला नंबर है ना, अगला वीडियो आपको मिलेगा, वो वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।